तो कोई भी इस क्लास में ऐसा नहीं है जो पिछली क्लास में मौजूद नहीं था, सब लोग ऐसे हैं जो पहले भी क्लास में, पहली क्लास वो अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर, क्योंकि मैंने पहली क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई थी, अगर आपको वो पता नहीं है तो फिर आपको आज की चीज़ें शायद समझ में ना आए। अच्छा, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज जो है ना, हम अपना लास्ट क्लास में तो गिटहब हमने सीख लिया था, तो अब गिटहब तो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, वो तो हो गया, अब असल चीज़ होगी क्या वो हम आज शुरू करने वाले हैं। अच्छा, एक दोस्त कह रहे हैं कि सर मैं मौजूद नहीं था। अच्छा, जो मौजूद नहीं थे, मैं उनके लिए जो है ना, मैंने लास्ट जो क्लास थी उसका जो लेक्चर था वो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था, वो मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको ना यहाँ पे चैट में ये लिंक भेज दिया, तो ये प्लेलिस्ट है, इसके अंदर जो पहली क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग इसके अंदर मौजूद है, तो आप इसको देख लीजिएगा जब आपको मौका मिले, ठीक है। आज की भी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं शेयर कर दूँ, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जब भी आप मैं रिकॉर्डिंग वगैरह किसी भी क्लास की अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वेल, तो ये तो हो गई बात, तमीदी गुफ्तगू हो गई। अच्छा, अब मैं अपनी स्क्रीन कर देता हूँ शेयर, ठीक है। होपफुली मेरी स्क्रीन सब लोगों के पास आ गई होगी। अच्छा, लास्ट क्लास में जो हमने बनाई थी रिपॉजिटरी, पहले तो उसको हम तलाश कर लेते हैं कि वो गई कहाँ। अच्छा चलो छोड़ो, एक नई बना लेते हैं। एक लास्ट क्लास में एक रिपॉजिटरी बनाई थी मैंने, इसमें ABC करके, खैर छोड़ो नई बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले, देखो हमेशा ज़िंदगी में याद रखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे तो हमें हमेशा पहले github.com पे जाके एक रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है। हमें क्या करना है, github.com पे जाके एक अदद रिपॉजिटरी क्रिएट करनी है, और उस रिपॉजिटरी में फिर सारा काम करना है, ठीक है। डायरेक्ट अपने, ये नहीं कि डेस्कटॉप पे आए, फोल्डर बनाया और शुरू हो गया, ये तरीका गलत है, ठीक है। बेहतर तरीका 2022 के अकॉर्डिंगली, जो 2022 में जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप github.com पे जाएं, वहाँ पे एक रिपॉजिटरी आप क्रिएट करें, और रिपॉजिटरी क्रिएट करने के बाद आप उस रिपॉजिटरी के अंदर तमाम काम करें, ठीक है जी। अच्छा, तो मैं एक न्यू रिपॉजिटरी बना लेता हूँ, और मैं इसको क्या बोलता हूँ, अच्छा आज हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट का हम हेलो वर्ल्ड करने जा रहे हैं, राइट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का हम हेलो वर्ल्ड करने जा रहे हैं, तो मैं इसमें क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, दिस repo was created as demo in a class, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया ताकि जो भी मेरी प्रोफाइल पे जो लोग आते हैं उनको पता चले कि अच्छा ये हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट जो है वो एक किसी क्लास में मैंने पढ़ाने के दौरान ये बनाई थी रिपॉजिटरी। अच्छा, और मैंने, और किसी भी चीज़ को मैंने चेंज नहीं करना, पब्लिक रिपॉजिटरी इसको पब्लिक रखना है, बाकी कोई चीज़ छेड़छाड़ नहीं करनी मैंने, ठीक है, फिलहाल के लिए एटलीस्ट, जब तक हम सीख रहे हैं, जब तक आपको ये अभी कोई दूसरी चीज़ को चेंज नहीं करना, जब सीख जाएंगे तो फिर आप तो जो मर्ज़ी करते रहें। क्रिएट का बटन दबा दिया मैंने, क्रिएट का बटन जैसे ही मैंने दबाया तो मेरे पास ये गिट हब की रिपॉजिटरी बन के यहाँ पे तैयार हो गई, ठीक है। ये हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, ठीक है, ये मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ एक्चुअली, पिछली क्लास में ये चीज़ें हम सारी देख चुके हैं, सीख चुके हैं कि कैसे होती है ये। अच्छा, किसी भी बंदे का ना कोई अगर सवाल हो तो मेरी रिक्वेस्ट उससे ये कि वो चैट में ना भेजे, क्योंकि चैट मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी स्क्रीन पे मुझे जो आपको दिख रहा है ना, मेरी स्क्रीन पे वही मुझे भी दिख रहा है, तो मैं चैट को देख रहा नहीं हूँ। तो काइंडली अपना माइक ना ओपन करें और जल्दी से अपना सवाल करें अगर आप बीच में कुछ पूछना हो आपको, और फिर बंद कर दें, ठीक है, माइक को खोल के नहीं छोड़ दें, वरना पीछे का फिर सारा शोर आता है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं कर देता हूँ अपनी स्क्रीन शो दोबारा से। सर हो रही, हाँ
अच्छा, अगर आपको ना प्रेजेंट तो मेरे पास से रिज्यूम हो गया अभी, लेकिन अगर आपको नहीं शो हो रहा हो तो आप जाके ना यहाँ तीन डॉट पे क्लिक कीजिएगा, और तीन डॉट पे क्लिक करके चेंज लेआउट करके ना, और चेंज लेआउट करके इसको ऑटो पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट ये, तो इसको आप स्पॉटलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। और या जो भी आपको, चारों चेक कर लीजिएगा कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है, वो वाला लेआउट रख लीजिएगा आप। अच्छा, ये रिपॉजिटरी मेरे पास बन के तैयार हो चुकी है। अब ये रिपॉजिटरी तैयार होने के बाद अब अगला काम मैंने क्या करना है, इसको अपनी मशीन में क्लोन करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके ये बटन क्लिक किया, ये छोटा सा बटन है, कैसे, ये जो छोटा सा बटन है इस पर मैंने क्लिक करना है, तो इससे ये लिंक मेरे पास कॉपी हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये HTTPS का लिंक है, यहाँ पे आप SSH दबाएंगे ना तो ये चेंज हो जाता है, ये नहीं करना आपने, ये HTTPS वाला ही लिंक चाहिए आपको, ठीक है। ये दो तरह के लिंक है, नंबर एक नंबर दो। तो ये HTTPS वाला लिंक मैंने ये राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं अपने मशीन में जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर जाके मैं टर्मिनल खोलूँगा, ठीक है। डेस्कटॉप पर मैंने क्या करना है, टर्मिनल खोलना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा टर्मिनल, ठीक है, और CD करके मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊँगा, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे मैं इस वक्त आ चुका हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, या मैं यहाँ चला जाऊँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाऊँ, और यहाँ पे ऐसे करके मैं डेस्कटॉप पे ही आ गया, ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया, ठीक है। ये शॉर्टकट से मैंने खोला है। अच्छा, विंडोज़ में मैंने तरीका बताया था कि किसी भी फोल्डर पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कैसे करेंगे, शिफ्ट का बटन पहले दबाएंगे आप और दबा के रखेंगे होल्ड करके, और फिर आप राइट क्लिक करेंगे ना, विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ओपन पावर शेल हेयर, तो आप वो उस पर क्लिक करेंगे, या ओपन गिट बैश हेयर, तो उससे भी टर्मिनल क्या होगा, उस फोल्डर में टर्मिनल वो वाला ओपन हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या करूँगा मैं, गिट स्पेस क्लोन स्पेस और वो लिंक पेस्ट कर दूँगा मैं यहाँ एंटर, तो उससे क्या होगा कि ये जो पूरी रिपॉजिटरी वहाँ पे बनी हुई थी ना, वो मेरे पास आ जाएगी। कहाँ पे आप यहाँ पे तलाश करते हैं, कहाँ गई, ये आ गई है वो रिपॉजिटरी इधर, हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, CD और मैं बोलूँगा हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट, ये मैं चला गया उस CD करके, उसके अंदर चला गया मैं, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप में नहीं हूँ, अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है जी। ये सब हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आके मैं लिखूँगा कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने का एक शॉर्टकट है, ठीक है। अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, ये कौन सा है विजुअल स्टूडियो कोड, ये ठीक है, ये अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, तो ये कोड और डॉट लिखने से ये ओपन हो जाना चाहिए। अगर नहीं ओपन हो रहा तो आप इंस्टॉलेशन में कोई गड़बड़ हुई, आप दोबारा इंस्टॉल कर लो। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरे पास ये फोल्डर क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फोल्डर का नाम लिखा हुआ है, और ये फोल्डर मेरे पास बन के आ चुका है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था भला, कि हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाई थी, abc.txt फाइल बनाई थी, ठीक है, क्योंकि हमने उस वक्त तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी नहीं थी लास्ट क्लास में, ठीक है। हमें कुछ प्रोग्रामिंग हमें आती नहीं थी, हमने कुछ कोड लिखना नहीं सीखा था, तो इसलिए हमने क्या कर लिया था, टेक्स्ट फाइल बना ली थी। लेकिन आज हम इंशाल्लाह कोड लिखना सीखेंगे, हम हेलो वर्ल्ड एक जो सबसे पहला प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का, वो हम बनाना सीखेंगे आज। और ये क्या हो रहा है मेरे पास, एक मिनट, मैंने ठंडा पानी ला के रखा था अपने पास, और वो ठंडा पानी ना ज़्यादा ही ठंडा बहना शुरू हो गया था, और बह गया मेरे लैपटॉप पे, अटैक करने वाला था, मैंने जल्दी से हटा दिया उसको। खैर, अच्छा, तो आज हम लिखना सीखेंगे हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक फ़ाइल बनानी होगी यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने क्या बटन दबा दिया, ये वाला छोटा वाला बटन मैंने प्रेस कर दिया, ये मेरे पास फ़ाइल बनाने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैंने लिखा index.html, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो होती है वो HTML के साथ मिल के चलती है। अच्छा, तो HTML पहले तो हमें बनाना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे आके मैंने क्या किया, मैंने ये एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया। ये कौन से बटन पे होता है, ये आपके कीबोर्ड में 1 लिखा हुआ है ना, जिस बटन पे नोमेरिक में 1 लिखा हुआ है, उसको आप शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो ये आ जाता है।
और ये करने के बाद आपने एंटर कर दिया, तो ये बेसिक जो HTML का कोड है ना, ये आपके पास लिखा हुआ आ गया, ठीक है, बेसिक HTML का कोड ये लिखा हुआ आ गया आपके पास। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर बोला स्क्रिप्ट, ठीक है जी, और स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लिख दिया अलर्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अलर्ट लिख के मैंने हेलो वर्ल्ड कर दिया। अच्छा, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का जो है ना सबसे पहला कोड हमने ये लिख लिया इस वक्त, ठीक है, क्या लाइन लिखी है हमने, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट लिखा, उसके बाद ब्रैकेट मैंने ओपन की है, यहाँ पे ब्रैकेट उसको क्लोज किया है, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड बीच में डबल कोटेशन के अंदर लिखा है, तो ये मेरा जावा स्क्रिप्ट का सबसे पहला कोड यहाँ पे आ गया और जावा स्क्रिप्ट का सबसे पहला कोड मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, अब इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, चलाने के लिए मुझे ये छोटा सा लिखा हुआ है ना जो HTML, ये इस जगह पे जो ग्रीन कलर का ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके क्या करना है, कॉपी पाथ पे क्लिक करना है, तो इससे क्या होगा, इस फाइल का जो पाथ है वो मेरे पास कॉपी हो जाएगा। अब मैं वापस जाऊँगा अपने ब्राउज़र पे और जाके इसको मैं ओपन करूँगा ना, तो ये देखो ये चल गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये पहला हमारा जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम था ये चल गया, ठीक है, ओके किया मैंने, हो गया, ठीक है, तो मैंने हेलो वर्ल्ड बना लिया। अब इस हेलो वर्ल्ड को मुझे वापस कहाँ भेजना है, मुझे वापस इसको भेजना है github.com पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा टर्मिनल के ऊपर, मैं लिखूँगा गेट एट स्टैरिक भी लिख सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, तो गेट एट डॉट, ठीक है, या गेट एट स्टैरिक करूँगा तो भी एक ही बात है, ठीक है, वो दोनों लिख सकते हैं, गेट कमिट माइनस एम, सही है, मैंने कहा हेलो वर्ल्ड रेडी, ठीक है, हेलो वर्ल्ड तैयार हो चुका है, और उसके बाद मैं कहूँगा गेट पुश है ना, गेट पुश ओरिजिन मेन, एंटर, ठीक है जी, तो ये पुश हो गया, कोड मेरा पहुँच गया गिटहब में, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं आगे देखते हैं, ठीक है, ये मेरा गिटहब में पहुँच गया ये कोड, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब जबकि हम जावा स्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड बना चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं, इसको लाइन बाय लाइन ना ज़रा ब्रेक डाउन करते हैं कि ये चीज़ है क्या जो हमने बनाई है, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट असल में क्या है, जावा स्क्रिप्ट हम क्यों सीख रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट मतलब क्या भला है, और ये जो HTML है जिसके साथ ये मिल के चलता है, ये HTML क्या भला है, तो हम ये ज़रा सीखते हैं। अच्छा, तो आपको इसके लिए मैं अब एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जावा स्क्रिप्ट और ये HTML का चक्कर है क्या। असल देखें, शुरू में जब इंटरनेट आया, ये कह रहे हैं गिटहब में पुश वाली कमांड यहाँ लिख दें, लिख देता हूँ, ये लोग गिट पुश ओरिजिन मेन एंटर, ये लो लिख दिया मैंने, सही है, ये मैंने वो उसमें भी लिख दिया था पहले ग्रुप के अंदर ना। अच्छा, मेरी आवाज़ सब लोगों को बिल्कुल सही आ रही है, मेरी वीडियो वगैरह, अच्छा आप लोग ना अपनी, अगर किसी का कैमरा वगैरह ओपन है तो उसको बंद कर दें, उससे ये होगा कि आपको इंटरनेट ना बैंडविड्थ अच्छा मिलेगा, अगर आप वीडियो वगैरह ऑन कर देंगे ना अपनी, जैसे मैंने तो वीडियो ऑन की हुई है, ज़ाहिर है मेरे लिए तो ज़रूरी है, लेकिन आप सब लोग अपनी वीडियो अगर किसी ने ऑन की हुई है तो वो बंद कर दें आप, ठीक है, आपका कैमरा ताकि बंद हो जाए, उससे ये होगा कि आपको बैंडविड्थ अच्छी मिलेगी इंटरनेट की, तो आप सिर्फ मेरी तस्वीर देखेंगे, मेरी आवाज़ सुनेंगे आप, और आपको कोई सवाल करना हो दरमियान में तो माइक को आप अनम्यूट करके और आप बोलेंगे फिर। अच्छा, कॉपी पाथ कैसे किया वो बता देता हूँ मैं, कॉपी पाथ के लिए जो इंडेक्स की फाइल है ना, ये यहाँ पे इस जगह पे आपने राइट क्लिक किया और ये कॉपी पाथ का ऑप्शन आ गया, ये VS कोड में ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा, ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप VS कोड जो कोड एडिटर है इसका इस्तेमाल करें क्लास में, ठीक है, वैसे तो आप कोई भी दूसरा एडिटर यूज़ करेंगे तो काम होगा आपका, ऐसा नहीं है कि काम रुक जाएगा, काम होगा, लेकिन बेहतर ये है कि क्लास में ना सारे लोग सेम पेज पे हों, ठीक है सर। जी दोस्त, सर हमारे में वो वर्चुअल स्टूडियो जो है ना वो डाउनलोड नहीं हो रहा, वो डाउनलोड हुआ तो वो उठा रहा नहीं है लैपटॉप, तो उसमें तो नहीं हो पाएगा ना ये गेटअप का। अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, ऐसा कैसे हो सकता है यार, VS कोड तो बहुत लाइट वेट है, वो तो हर चीज़ पर चल जाता है, अपनी स्क्रीन शेयर करो, है अभी स्क्रीन, अभी शेयर कर सकते हो तो जल्दी से कर दो, मैं देख के बताता हूँ कि क्या है। जी जी सर, कर रहा हूँ।
अच्छा आ गई तुम्हारी स्क्रीन, करो अब शेयर ज़रा, चलाओ उसको यार। ये तो तुमने मोबाइल से शेयर कर दिया स्क्रीन, मोबाइल से शेयर कर दिया, मोबाइल में थोड़ी इंस्टॉल होगा वीएस कोड। जी जी सर, वो मैं मोबाइल से ले रहा हूँ ना क्लास, लैपटॉप में काम कर रहा हूँ तो लैपटॉप की मैं आपको क्या वीडियो, अच्छा चलो आप वीडियो, हाँ सही है सही है, वीडियो दिखाओ, वीडियो ओपन करो, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा ये क्या एरर के मैसेज में लिखा हुआ आ रहा है, बहुत ब्लर आ रही है ये स्क्रीन वैसे ना। सेटअप हैज़ डिटेक्टेड दैट सेटअप इज़ करंटली, ये तुमने डबल डबल चला दी इंस्टॉलेशन, ये तुमने इंस्टॉलेशन ना डबल डबल चला दी है। ओ भाई इतनी सारे चला दिए, सबको बंद करो और एक दफ़ा चलाओ सिर्फ, सही है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये तुमने बहुत सारा डबल डबल चला दिया सेटअप, ठीक है। चलो कैमरा बंद करके आराम से एक दफ़ा इसको चलाओ और एक दफ़ा इंस्टॉल करो। अच्छा स्क्रीन तो मेरे ख्याल है अभी रोक देता हूँ मैं, स्क्रीन की अभी ज़रूरत नहीं है। अब देखो गौर से समझना कि हुआ क्या, शुरू शुरू में जो बिजनेसेस होते थे जितने भी, तो उनको जब मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करते थे, वो ब्रोशर्स बनाते थे, पम्फलेट बनाते थे। गेट क्लोन ओपन करने के बाद का प्रोसेस एक दफ़ा वापस, अच्छा वो अभी अभी आप रुक जाएं थोड़ी देर, वो पिछली क्लास में पूरा मैंने ये रिपीट किया है, पिछली क्लास वाली चीज़ रिपीट है, वो आप वीडियो में देख लीजिएगा, या अभी ज़रा ये मैं ज़रा थ्योरी बता दूँ आपको, फिर हम कोड में जब जाएंगे ना वापस तो फिर आप ये माइक ऑन करके पूछिएगा, चैट में मत पूछिएगा, ठीक है। तो ये अभी हम ज़रा थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद हम वहाँ पर जाके देख लेंगे फिर कि क्या करना है। अच्छा तो शुरू शुरू में जब क्या हुआ कि बिजनेसेस को जब मार्केटिंग करनी होती थी तो वो क्या करते थे, वो बैनर्स बनाते थे, ठीक है। अच्छा बैनर्स के अलावा वो क्या बनाते थे, आपका ब्रोशर्स बनाते थे, पम्फलेट, ठीक है, उस पर वो लिखते थे, ठीक है। अभी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उनका मेन्यू क्या होता है, पेपर पे होता है मेन्यू बना हुआ, तो मेन्यू आपको दिया जाता है कि यार आप इसको देखें। अच्छा अच्छा उसके अलावा क्या होता था, जो बड़े लेवल की मार्केटिंग होती थी ना उसमें वो हवाई जहाज़ में ना सारे पम्फलेट भर के और वो शहर के ऊपर से गुजारते थे यूँ और वो गिराते हुए जाते थे सब जगह, ठीक है। अभी भी आप मस्जिदों में अक्सर आपने देखा होगा कि वो खड़े हुए होते हैं कि बहुत सारे अपने प्रोडक्ट के ना पम्फलेट दे रहे होते हैं मस्जिद में, तो बाहर खड़े हो गए, तो वो मार्केटिंग के सबसे इनिशियल फेज़ था, सबसे इनिशियल वो था। अच्छा उसके बाद फिर जब आई ना क्या कहते हैं इंटरनेट जब आया और कंप्यूटर जब कॉमन होने शुरू हुए, तो फिर बिज़नेस ऑनर्स को जो है ना लगा कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि यार ये हमारा जो ब्रोशर है ना ये किस में होना चाहिए, अब ये हमारा अब इंटरनेट पे होना चाहिए, क्योंकि ब्रोशर जो कागज़ का ब्रोशर है उसके अंदर सब में बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उसको सिर्फ बंदा देख सकता है, ठीक है, और उसको देख सकता है। अच्छा फिर कल को अगर कोई प्रोडक्ट चेंज हो गई तो हज़ारों के हिसाब से जो ब्रोशर्स छपे हुए हैं वो सारे बेकार हो जाते हैं, ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट चेंज हो गई, उसके पैसे चेंज हो गए। फिर दूसरा ये कि उस ब्रोशर के ऊपर कुछ हो नहीं, बंदा वन वे है, यानी ये कम्युनिकेशन जो है वन वे है, यानी दुकान वाले ने ब्रोशर बनाया और बांट दिया, ठीक है, अब वो ब्रोशर जिसके पास पहुँचा है वो वापस कैसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, उसके लिए फ़ोन नंबर वगैरह आमतौर पर लिखे हुए होते हैं, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की उसको मज़ीद फ़ोटोज़ देखनी है, ठीक है, एक फ्रिज की दुकान थी, उसने फ्रिज का ब्रोशर बनाया कि फ्रिज होता है, टीवी होता है, अब वो पम्फलेट बांट दिया, बंदे को अगर वो फ्रिज की फ़ोटो देखनी है मज़ीद तो ये पॉसिबल नहीं है उसके अंदर, ठीक है, आपको दुकान पे खुद चल के आना होगा, आप उस ब्रोशर के ज़रिए आप परचेज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है, आपको दुकान आना पड़ेगा परचेज़ करने के लिए। अच्छा तो अब ये हो गई पहली बात, तो अब इंटरनेट पर जब आई ना वेबसाइट्स वगैरह जब आम होना शुरू हुई, वेबसाइट जब यानी कि दरियाफ्त हुई कह लें इसको, तो उन्होंने बोला कि यार हमारी ना ये सारी वेबसाइट अब ऑनलाइन होनी चाहिए, ठीक है, ब्रोशर को रिप्लेस कर दिया इसने आगे। अच्छा ब्रोशर को रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ कि वेबसाइट आहिस्ता आहिस्ता कॉमन होना शुरू हो गई। अच्छा तो अब वही चीज़ जो पम्फलेट में होता था ना उसी का ऑनलाइन वर्जन जो है वो क्या है, वो वेबसाइट है, ठीक है, उसी पेपर का ही ऑनलाइन वर्जन है। अच्छा
अब इसको बनाने के लिए, जाहिर है ये तो अभी तो बन गई ना वेबसाइट, लेकिन बनाने के लिए उसको कुछ चाहिए था, कोई लैंग्वेज चाहिए थी ऐसी, क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर इंसान से मुझे बात करनी है तो उसकी एक लैंग्वेज होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक लैंग्वेज है, इसी तरह अगर इंसान को कंप्यूटर को कुछ समझाना हो, जाहिर है कोई बंदा बैठेगा ना, कोई बंदा बैठ के बताएगा कि अच्छा यार वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, कंप्यूटर को वो बात समझ में आनी चाहिए, तो कंप्यूटर के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए थी कि यार जिसके ऊपर वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह ना जैसा पंफलेट के ऊपर बना हुआ होता है ना, बिल्कुल वही चीज़ कंप्यूटर के ऊपर बनाने का कोई तरीका होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, तो अब उसके लिए क्या तरीका अख्तियार किया गया, उसके लिए एक लैंग्वेज बनाई गई, दैट इज़ कॉल्ड HTML। ठीक है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये HTML का मतलब है। अच्छा, तो क्या है भाई ये HTML? HTML के, अब जैसे देखो नाम पे हम गौर करते हैं ना, किसी भी चीज़ के नाम पे अगर आप गौर करेंगे तो आधी कहानी ना उसके नाम में छुपी हुई होती है। तो नाम इसका क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट को अभी हम हटा देते हैं, अभी हम सिर्फ मार्कअप लैंग्वेज की बात करते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है, बल्कि लैंग्वेज भी हटा देते हैं, सिर्फ मार्कअप्स की बात करते हैं। कौन आप में से मुझे ये बता सकता है कि अंग्रेज़ी में मार्कअप किस चीज़ को कहते हैं? मार्कअप, अगर कोई कह रहा है मार्कअप, तो मार्कअप का मतलब क्या है? ठीक है, अब प्लीज़ अपना अपना माइक ओपन करके भी आप कह सकते हैं, चैट में भी आप ये बात शेयर कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, जब मार्कअप बोला जाता है तो क्या जहन में आता है, व्हाट इज़ अ मार्कअप, या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मार्कअप? डिक्शनरी में मार्कअप आप सर्च करते हैं तो आपको क्या मिलता है? प्लीज़ सब लोग अपना ओपिनियन शेयर करें। सर स्ट्रक्चर, सर इसमें जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं उससे रिलेटेड मार्कअप, जैसे H1 वगैरह में और दूसरे जो टैग्स वगैरह होते हैं। सही, एक दोस्त ने कहा कि भाई टैग को मार्कअप कहते हैं, एक ने कहा कि सर टैग के अंदर लिखे हुए जो होते हैं उसको मार्कअप कहते हैं। जुर्माना, जुर्माना मार्कअप, जुर्माना नहीं, जुर्माने को भी किसी को मार्कअप मार कहते हैं क्या? करना, सर किसी चीज को मार्क करना, मार्क करना, निशान लगाना, निशान लगाना, निशान यस, लगाना। टैग के अंदर जो टैग, अभी तो टैग, जैसे मोहम्मद अली कह रहे हैं कि टैग के अंदर जो टेक्स्ट होता है, तो वो अभी टैग्स की तो बात, अभी तो लैंग्वेज बनी है ना, मार्कअप सिर्फ मार्कअप किसी चीज को कहते हैं। तो एक स्ट्रक्चर को सर लैंग्वेज के, नहीं, अच्छा चलो गूगल पे लिख सर के देखते करेक्ट हैं, टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, गूगल पे जाके लिखते हैं हम मार्कअप। एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो कॉस्ट में ऐड करते हैं उसको बोलते हैं मार्कअप। अच्छा, देखते हैं क्या डेफिनेशन आती है मार्कअप की। अच्छा, द अमाउंट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्राइस गुड कवर ओवर हेड द प्रॉफिट। अच्छा, एक तो मार्कअप कहते हैं कि कितनी, वो बचत को भी कहते हैं कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ रिजल्ट ऑफ करेक्टिंग टैक्स इन प्रिपरेशन और फॉर प्रिंटिंग। अच्छा, और तीसरा इन्होंने कंप्यूटर स्पेसिफिक लिखी है। ये जो सेकेंड वाली डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन हमारे काम की है। ठीक है, मार्कअप किसको कहते हैं, ये गूगल ने बोला के एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या करते हैं, जो करेक्ट करते हैं ना, जो टेक्स्ट को करेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग से पहले, उसको कहते हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपको और सिंपल इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। मार्कअप की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि आपके हाथ में, इमेजिन करें कि कोई कोई बुक है आपके हाथ में, ठीक है, कोई बुक है, वो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या कोई कागज़ है, सही है, ये मेरे पास है, या कोई 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 डायरी है, कोई जर्नल है, कोई कॉपी है मेरे पास, तो उस डायरी में, उस बुक में अगर किसी हेडिंग को, या मैं कोई नॉवेल पढ़ रहा हूँ, इमेजिन करें, उस नॉवेल को पढ़ते वक्त मुझे उसमें कुछ वर्ड्स मुश्किल लगे जो मेरी समझ में नहीं आए, तो मैंने हाइलाइटर लेके ना उसको हाईलाइट कर दिया, उस वर्ड को, दैट इज़ मार्कअप। मैंने मार्कर से उसको लेके अंडरलाइन कर दिया, दैट इज़ मार्कअप।
ठीक है, मैंने पेंसिल से उसके ऊपर सर्कल बना दिया किसी चीज़ पे, दैट इज़ मार्कअप। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप जो मार्किंग जो कर रहे होते हैं आप, दैट इज़ मार्कअप। ठीक है, मार्क करने की किसी भी प्रोसेस को हम मार्किंग को मार्कअप कहते हैं। अच्छा, और जैसे आप कोई जर्नल बना रहे हैं, बायोलॉजी का केमिस्ट्री का आप जर्नल बना रहे हैं स्कूल में जो बनाते हैं, उसमें आपने कोई अच्छी सी हेडिंग लगाई मार्कर से और उस पर आपने हाईलाइटर से उसको डेकोरेट भी कर दिया, दैट इज़ मार्कअप। सही है, आपने उसमें बुलेट पॉइंट्स में फिर कुछ लिखी बात उस हेडिंग के नीचे, दैट इज़ मार्कअप। जाहिर है बुलेट पॉइंट के लिए आपने एक सर्कल बनाया होगा, उसके आगे आपने बात लिखी होगी, तो ये पूरी जो बात आप लिख रहे हैं ना, दैट इज़ मार्कअप। एक तो सीधा सीधा टेक्स्ट लिख देते हैं ना आप, मिसाल के तौर पर किसी ने बोला यार आप फ़ोन नंबर लिखो इसके ऊपर पर्ची पर, तो आप क्या करते हैं, आप फ़ौरन फ़ोन नंबर लिख के दे देते हैं, उसको भी काइंड ऑफ मार्कअप आप बोल सकते हैं। लेकिन ये हेडिंग लगाना, उसको प्रॉपर उसको अंडरलाइन करना, किसी चीज़ को बोल्ड करना, तो दैट इज़ कॉल्ड मार्कअप। अच्छा, तो हेडिंग वगैरह लगाने का बाकायदा एक पर्पस होता है। जाहिर है हेडिंग से बंदे को आधी बात पता चल जाती है, जैसे अखबारों में भी ना ऊपर शह सुर्खी जिसको कहते हैं, जो हेडिंग पेज होता है उसमें एक सबसे बड़ी खबर जो होती है ना आज के दिन की, वो फर्स्ट पेज पे बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ होता है, ताकि वो दूर से भी नज़र आए बंदे को। ठीक है, कोई दूसरा बंदा अखबार पढ़ रहा हो तो सामने में बैठा हो तो मुझे दूर से भी दिख जाए वो खबर। तो हेडिंग लगाने का एक पर्पस होता है बाकायदा, कि वो वाजे हो, क्लियर क्लियर नज़र आ रहा हो। ठीक है, फिर हेडिंग लगाने की वजह से ये भी होता है कि जब इंसान कोई पेज खोलता है ना, तो उसमें जो सबसे बड़ा टेक्स्ट होता है वो सबसे पहले पढ़ता है इंसान। ठीक है, एक साइकोलॉजी इंसान की। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि यार ये हेडिंग को पहले पढ़े बंदा, उसके नीचे के पॉइंट्स को बाद में पढ़े, तो आप हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो बंदा पहले पढ़ता है फिर उसको। अच्छा, तो ये है मार्कअप। अब मार्कअप लैंग्वेज को समझते हैं। मार्कअप तो समझ में आ गया सब लोगों को, मार्कअप समझ आया सब लोगों को, किसी का कोई सवाल इसमें? मार्कअप लैंग्वेज अब समझते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर को अगर मुझे यही चीज़ सिखानी है, ठीक है, कि मार्कअप तैयार कैसे करना है, एक तो मैंने तैयार किया ना, मेरे हाथ में जर्नल था, मैंने मार्कर लिया, हेडिंग लगा दी अच्छी सी, हाईलाइटर लगा दिया, ये तो मैंने किया। ठीक है, एक इंटेलिजेंट बीइंग हूँ मैं, एज अ ह्यूमन एक इंटेलिजेंट बीइंग हूँ, मैंने कर लिया। लेकिन कंप्यूटर को मुझे ये चीज़ बतानी है, तो कंप्यूटर को बताने के लिए मार्कअप लैंग्वेज नाम की एक चीज़ तैयार की गई। ठीक है जी, अब मार्कअप लैंग्वेज नाम की चीज़ तैयार हो गई, व्हाट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, अब ये समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आप MS वर्ड यूज़ करते हैं ना, जो ठीक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, अब उसके अंदर आप क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा, आप उसको सेलेक्ट करते हैं और आप बोल्ड का बटन दबा देते हैं, आप उसको सेलेक्ट करते हैं, उसकी फॉन्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बढ़ता है, वो उसके बैकग्राउंड में एक मार्कअप लैंग्वेज होगी कोई ना कोई जो चल रही है। ठीक है, तो अब ज़रा मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ साथ साथ अब, और मैं आपको ना एक मार्कअप लगा के दिखाता हूँ, HTML लैंग्वेज में एक मार्कअप को कैसे लगाते हैं वो मैं आपको ज़रा लगा के दिखाता हूँ। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं जावास्क्रिप्ट हटा देता हूँ इसमें से, जावास्क्रिप्ट हटा दी मैंने, अभी सिर्फ ही HTML, प्योर HTML है, अभी इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं है। थोड़ा सा HTML सीख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड तो हमने कर लिया, थोड़ा सा HTML सीख लेते हैं, क्योंकि जाहिर है HTML के साथ मिलके ये चलेगा, तो HTML थोड़ी सी हमें सीखनी पड़ेगी, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। तो मैंने इसको सबसे पहले लगाया H1, मैंने कोई बात लिखी, मैंने कहा यार आई लिव इन कराची। ठीक है, अब मुझे ये जो कराची लिखा हुआ है इसको मुझे बोल्ड करना है। अभी पहले तो ऐसे देखते हैं ना कैसे लिखा हुआ रहा है, पहले अभी इस कंडीशन में देखते हैं। मैंने कॉपी पास्ट किया इसको और यहाँ पे इसको ओपन कर लिया, तो अभी तो ये लिखा हुआ है आई लिव इन कराची छोटा सा। मैं ये चाहता हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको क्या बना दूँ, एक बड़ी हेडिंग में तब्दील कर दूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे H1 और यहाँ पे आके H1 को क्लोज कर दूंगा, दैट इज़ ओपनिंग टैग, दैट इज़ क्लोजिंग टैग। और ये क्या कहलाएगा, ये H1 का मार्कअप है, ये आपको मैंने एक मार्कअप सिखा दिया, H1 इज़ अ मार्कअप। रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये H1 का इस पर इफेक्ट आ गया कि ये बोल्ड हो गया। ठीक है, फिर मैंने एक बात और लिखी, मैंने कहा भाई कि IM सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, ये मैंने बात लिख दी, अभी आप देखें IM सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे सिंपल सा लिखा हुआ आ गया डिफ़ॉल्ट। थोड़ा मैं जूम भी कर देता हूँ इसको, ये सीधा सीधा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं क्या कर दूँ, इटैलिक कर दूँ।
तो मेरे पास एक मार्कअप और है इटैलिक आई, और मैंने आई को यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। ठीक है सर, आपके लैपटॉप की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। शेयर नहीं हो रही है, शेयर तो हुई भी है सर। आप दिख रहे हैं, स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा मैं एक दफ़ा और रोक के शेयर कर देता हूँ। अच्छा देखो होपफुली अब आ गया होगा। ठीक है, अगर वो स्क्रीन छोटी दिख रही है ना अगर, तो ये थ्री डॉट पे क्लिक करो और लेआउट को चेंज कर लो। दो तीन लेआउट हैं, देख लो कौन सा तुम्हें सही लग रहा है सबसे, वो वाला कर लो लेआउट। अच्छा तो अब क्या हुआ कि मैंने लिखा आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब मुझे इसको करना है इटैलिक। इटैलिक आप सब लोग जानते हैं कि थोड़ा सा टेक्स्ट जो है ना टेढ़ा होकर नज़र आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इटैलिक। तो मुझे अब इसको इटैलिक करना है अगर, तो मेरे पास क्या मार्कअप मौजूद है? आई का मार्कअप मौजूद है। नहीं दिख रही आपकी, दिख रही है हाँ सर आप दिख रहे हैं। देखो पता है असल में क्या है, वो मेरा ना मेरी वीडियो तुमने पिन की हुई है असल में, इसलिए तुम्हें मैं दिख रहा हूँ। अच्छा हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, ये पार्टिसिपेंट्स जो है ना, इसमें 48 पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है। इसमें जाओ मेरा नाम सर्च करो, ठीक है? एक मेरा दो नाम आ रहे होंगे, एक लगा हुआ होगा इंजमाम मलिक, एक लिखा हुआ होगा इंजमाम मलिक प्रेजेंटिंग। तो जो प्रेजेंटिंग लिखा हुआ है ना, उसके आगे एक पिन बना हुआ है छोटा सा, ये पिन दबा दो तो ये प्रेजेंटिंग सामने आ जाएगा फिर तुम्हारे। ठीक है, तो जिस पे तुम पिन लगाओगे ना वो सामने दिखेगा, जिस पे पिन हटा हुआ होगा वो नहीं दिखेगा सामने। स्क्रीन तो मेरी शेयर हो रही है, लेकिन पिन तुमने मेरा कैमरा पिन किया हुआ है अपने पास। बोले एक को कर लो ना। हाँ भाई हो गया, मसला हल हुआ तुम्हारा? बोलोगे से जी सर हो गए। सही है, माइक ऑफ कर दो फिर। सही है, जब भी कोई सवाल पूछो जल्दी से माइक खोलो, सवाल पूछ के फिर उसको ऑफ कर दो दोबारा। अच्छा तो मैंने लिखा आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब इसको देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आया। यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, तो देखो ये इटैलिक हो गया। ठीक है, ये इटैलिक हो गया नज़र आ गया। अच्छा तो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास वो सारे काम जो हम एक जर्नल में करते हैं, हेडिंग लगाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, ये सारे काम हम इस मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए वेबसाइट में भी कर सकते हैं। सही है, इतनी बात सब लोगों को होपफुली समझ आई होगी। अच्छा जो अच्छा एम एस वर्ड आप सब लोगों ने यूज़ किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, बड़ा कॉमन सॉफ्टवेयर है। अगर नहीं भी किया किसी ने तो कोई मसला नहीं है, मतलब ऐसे बता रहा हूँ मैं। तो उसमें भी यही हो रहा होता है, उसमें क्या कर रहे होते हैं आप, जो सारे काम आप एक जर्नल में करते हैं, हेडिंग लगाते हैं, बुलेट पॉइंट्स लगाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वही सारे काम आप क्या कर रहे होते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे होते हैं, और वही सारे काम आप HTML में भी कर सकते हैं। ठीक है, वही सारे काम आप क्या कर सकते हैं, HTML में भी आप कर सकते हैं वही सारे काम। अच्छा तो मैंने हेडिंग लगा दी H1, इटैलिक कर दिया। एक मार्कअप मैं आपको और सिखाता हूँ, बोल्ड B से। सही है, दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, मैंने आपको एक मार्कअप और सिखा दिया बोल्ड का, अब देखते हैं बोल्ड कैसा दिखता है। रिफ्रेश किया मैंने, देखो दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, ये लिखा हुआ आ गया। अच्छा अब मैं आपको और क्या सिखाता हूँ, आपको मैं सिखाता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, ये कोई पैराग्राफ है। अच्छा पैराग्राफ कहीं से कॉपी कर लेते हैं, टेक्स्ट बड़ा सारा गूगल पे से जाके ना, एक किसी भी वेबसाइट से रैंडमली एक टेक्स्ट कॉपी करके ले आता हूँ मैं। ये मैंने क्या कर लिया, एक पैराग्राफ को कॉपी कर लिया। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है। अब आके देखते हैं हमारे पास क्या ऐसे पैराग्राफ बन गया। देखो पैराग्राफ बिल्कुल उसी तरह बन गया। अच्छा तो हमने कर लिया बोल्ड, हमने कर लिया इटैलिक, हमने कर लिया हेडिंग। अच्छा हेडिंग ना पांच अलग अलग साइजेस होते हैं, H2 भी एक हेडिंग होती है। सही है, H2 भी एक होती है। ये एक मार्कअप मैंने आपको और सिखा दिया, हेडिंग टू। हेडिंग टू बल के नीचे लगाते हैं, कट किया इसको मैंने, पैराग्राफ के बाद लगाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के बाद मैंने हेडिंग टू लगा दी। आगे देखते हैं, रिफ्रेश किया, देखो ये सबसे टॉप हेडिंग हो गई, उसके बाद ये कुछ टेक्स्ट हो गया, एक पैराग्राफ हो गया, एक टेक्स्ट और आ गया कुछ। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया। और कौन सा होता है मार्कअप, और कौन कौन से ऐसे काम है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कर रहे होते हैं? माइक खोल के बताइएगा प्लीज, चैट में मत लिखिएगा, चैट में देख रहा नहीं हूँ।
सर ब्लॉक कोड वगैरह जो इसमें होता है। हाँ ब्लॉक कोड होता है इसके अंदर। अंडरलाइन भी सर? नहीं ब्लॉक कोड क्या एमएस वर्ड में होता है? नहीं होता उसमें। सर बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स ठीक है, अंडरलाइन होता है, बुलेट पॉइंट्स होता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, ओह सॉरी अंडरलाइन लिख रहा हूँ, बुलेट पॉइंट्स ये मैंने बना दिए, यू एल एल आई। मैंने कहा पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर और पॉइंट फाइव। अब ये देखते हैं बुलेट पॉइंट किस तरह का दिखता है। ये बुलेट पॉइंट दिख गया मुझे इस तरह से। अच्छा अब मुझे अंडरलाइन करना है, ठीक है अंडरलाइन मुझे अगर करना है इसको, तो अंडरलाइन करने के लिए कौन सा मार्कअप है ये मुझे कैसे पता चलेगा? भाई अभी तक मैंने अंडरलाइन का मार्कअप आप लोगों को बताया नहीं है कि क्या होता है। कुछ मार्कअप तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन अगर आपको अंडरलाइन का मार्कअप नहीं पता तो कैसे पता चलेगा? सबसे एक आसान हल तो ये है कि आप जाके गूगल पे कर लेंगे कि अंडरलाइन मार्कअप HTML, ठीक है तो ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है तो इन्होंने क्या बताया कि ऐसे यू का जो टैग है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं, मैंने कहा कि भाई यू, और मैंने कहा दिस इज अंडर लाइन टेक्स्ट। ठीक है रिफ्रेश किया, अंडरलाइन टेक्स्ट आ गया। ठीक है तो मार्कअप कोई इतने मुश्किल भी नहीं है, आप अलग से भी लिखेंगे ना कोई, अगर आपको काम ऐसा करना है जो पता नहीं है आपको तो अलग से लिखेंगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा तो ये सारे मार्कअप हमने सीख लिए, यहाँ पे आपकी HTML कंप्लीट हो गई। सही है यहाँ पे आपकी HTML क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इतना HTML हमने पढ़ लिया। अच्छा अब आप लोगों को एक टास्क देता हूँ मैं, ठीक है आप लोगों को क्या देता हूँ, मैं एक अदर टास्क देता हूँ। वो टास्क क्या है कि आप सब लोगों को ये जो इतना अभी हमने कोड लिखा है ना, ये इतने मार्कअप जो सीखे हैं, हेडिंग सीख लिया हमने, इटैलिक सीख लिया, बोल्ड सीख लिया, अंडरलाइन सीख लिया, ठीक है बुलेट पॉइंट्स बनाना सीख लिए, पैराग्राफ बनाना सीख लिया, हेडिंग टू हमने सीख लिया। अच्छा हेडिंग के 6 अलग अलग साइजेस होते हैं, ठीक है तो एक हेडिंग टू है, फिर हेडिंग थ्री होती है उसके बाद, ठीक है H3 है, ठीक है 6 होती है, 6 तक होता है, H2, H3, H4, H6। तो ये जितना हमने सीख लिया है इस वक्त मार्कअप, अब आप इस काबिल हो गए हैं कि अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि HTML के ज़रिए आपने एक वेबसाइट बनानी है, अपने CV की वेबसाइट बनानी है। सब लोगों का CV बना हुआ होता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम। सर एक चीज़ और है कि आप मुझे पैराग्राफ लिखा सर उसको एंटर कैसे करते हैं, क्योंकि सर ये पैराग्राफ लिखा सर प्रोपर्टी से लेकर सर नीचे तक ना। हाँ। और जो आपने डॉक्यूमेंट निकाले सर उसमें ना कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं, वो पूरे का पूरा एक साथ लिखा हुआ ना, मतलब बीच में इंटर जो आपने किया हुआ ना एक लाइन छुट्टी ये वाला ये था उसमें, नहीं नहीं ये था उसमें, ये बीच में लाइन नहीं छुट्टी हुई, ये लाइन जो है ना हमें छोड़िए ना, अगर हमें अलग अलग लिखना है भाई पहले एक पैराग्राफ और फिर नीचे दूसरा पैराग्राफ, तो उसमें हम पैराग्राफ के दो पोर्शन बनाएंगे या फिर दो पोर्शन बनाएंगे। मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से, इसको कट करके मैं ऊपर एक अलग पैराग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है मैंने पैराग्राफ लिखा और यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दिया, तो ये दो अलग अलग हो गया पैराग्राफ। देख लेते हैं इसका रिजल्ट कैसा आया, ये देखो ये अलग पैराग्राफ हो गया, ये अलग हो गया। एंटर तो पहले भी आ रहा था इसमें लेकिन अब थोड़ा और प्रोमिनेंट हो गया। अच्छा तो अब अगर मैं आपको टास्क एक दूँ कि इसी तरह की एक वेबसाइट आपने बनानी है, अच्छे खासे 4-5-10 मार्कअप आपने सीख लिए हैं और आपको अपनी CV बनानी है, तो सब लोगों से बन जाएगा CV? अभी बनाना है, ये 20 मिनट है आपके पास, 20 मिनट में आप ये टास्क बनाएंगे। यस सर सर मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है CV। ऑलरेडी बनाई हुई है तो शेयर कर दें। अच्छा ये जो मैंने बनाया ना पूरा फाइल, ये पूरी फाइल बना के मैंने इसको GitHub में पुश भी करना है, ठीक है मैं पुश करके दिखा देता हूँ आपको। और आपको भी कोई भी असाइनमेंट जब तक आप उसको GitHub में पुश नहीं करेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है ये सब लोगों को मैं क्लियर कर दूँ, गिट एड स्टेरिक, ठीक है गेट कमिट -m, ठीक है फ्यू मार्कअप्स, ठीक है जी, और मैंने कहा गेट पुश। ठीक है ये पूरा कहाँ चला गया, ये GitHub में चला गया पूरा। अब मैं जाके देखता हूँ GitHub में ये पूरा पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। रिफ्रेश किया मैंने, सर CV लिंक सेंड कर दिया मैंने, ये फ्यू मार्कअप्स लिखा हुआ आ गया देखो। ठीक है और ये पूरा वो कोड यहाँ पे GitHub में पहुँच गया।
तो आप सब लोगों को ये सीवी बनाकर इसी तरह से गिटहब में पुश करना है, और गिटहब में पुश करके मुझे दिखाना है, ठीक है। बगैर गिटहब में पुश किए हुए असाइनमेंट आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और कि अब कुछ मार्कअप तो मैंने आपको बता दिए, हो सकता है कि कुछ मार्कअप्स ऐसे हों जो मैंने आपको नहीं बताया लेकिन सीवी में आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है, राइट। जैसे कि इमेज लगानी पड़ सकती है आपको सीवी में, तो इमेज कैसे लगेगी भाई, अब ये तो मसला हो गया, ये तो अब अच्छा कौन दुनिया में कौन कौन से मार्कअप हैं वो कैसे पता चलेंगे यार, ये तो इतने सारे मार्कअप हैं भाई। HTML तो पूरी हो गई आपकी यहाँ पे, लेकिन मसला ये है कि अब यानी अब आगे जो HTML में सीखने वाली चीज़ है आपके लिए वो ये है कि आपके पास कोई ऐसी जगह हो एक कि उस जगह पे जाके ना जितने भी पॉसिबल मार्कअप्स हैं HTML के आज तक जो बनाए गए हैं उन सारे मार्कअप्स की आपको एक लिस्ट मिल जाए, बड़ा अच्छा हो जाएगा ये तो, ज़बरदस्त, ठीक है, CV बनाने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, ना सिर्फ वो एक लिस्ट मिल जाए आपको बल्कि हर मार्कअप को चलाने का तरीका भी पता चल जाए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा अभी कि जब मैं पैराग्राफ को बनाता हूँ ना, तो इसको चलाने पैराग्राफ का जो मार्कअप है इसको चलाने का तरीका क्या है, एक सिंपल सा तरीका है। हेडिंग को चलाने का तरीका भी उसी तरह सिंपल, लेकिन जब मैं लिस्ट बनाता हूँ, बुलेट पॉइंट्स बनाता हूँ, तो उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हेडिंग से और पैराग्राफ से थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये, ठीक है। तो ये तरीका भी वहाँ पे लिखा हो, तो तमाम मार्कअप्स की लिस्ट कहाँ पे मिलेगी मैं आपको वो जगह बताने वाला हूँ, ठीक है। आ जाते हैं जी, मैंने गूगल पे जाके लिखा लिस्ट ऑफ ऑल HTML मार्कअप्स, ठीक है। मैंने क्या लिखा गूगल पे जाके, लिस्ट ऑफ ऑल HTML मार्कअप्स, और ये पहला जो लिंक आया इस पे मैंने ओपन कर लिया। अब देखें यहाँ पे ना जितने भी HTML के मार्कअप्स हैं ना आज तक जो बनाए गए हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें से कुछ हम देखते हैं, जैसे देखो एक मार्कअप है BR। अब BR का मतलब क्या है, ये लाइन को ब्रेक करता है, एक लाइन नीचे आ जाता है ये, ठीक है। इसको चला के देख लेते हैं BR को कैसे चलता है ये। अच्छा, अब चला के देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इस पर ना क्लिकेबल है ये, इसको मैं क्या करता हूँ नए टैब में ओपन कर लेता हूँ, पड़ोस वाले टैब में। देखो पड़ोस वाले टैब में ओपन हो गया। अब ये आपको बताएगा कि देखो करना क्या है, पैराग्राफ के बीच में ये देखो इसने BR लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, लाइन ब्रेक फिर BR लगाया हुआ है। तो इसको ट्राई इट योर सेल्फ पे जाओगे ना तो ये चला के भी देख सकते हो। देखो एक ही पैराग्राफ है लेकिन कितने पे आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइनों में शो हो रहा है। तो BR जो है ना लाइन ब्रेक करता है, लाइन को चेंज करता है, एंटर के बटन का काम कर रहा होता है असल में ये, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया कि कैसे चलता है। तो हम एक काम करते हैं, हमने जो अभी भी कोड लिखा है उसमें इसको अप्लाई करके देखते हैं। जैसे ये मेरा पैराग्राफ है ना ये वाला, इसमें मैं क्या करता हूँ एक BR लगा देता हूँ, यहाँ पे एक BR लगा दिया, ठीक है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो कोड में क्या होता है, BR यानी कोई भी टैग लगाने का, कोई भी मार्कअप लिखने का शॉर्टकट होता है। जैसे मैं BR लिखूंगा ना जैसे, तो देखो सजेशन आ जाती है, ये सजेशन आती है, मैं टैब का बटन दबाता हूँ तो ये कंप्लीट हो जाता है ऑटोमेटिक। ये VS कोड जो हमारा कोड एडिटर है ये हमें फैसिलिटी दे रहा है, दूसरे कोड एडिटर में ये चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये मैंने दो BR लगा दिए ना, तो यहाँ से एक लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए, यहाँ से भी एक लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए। सेव किया मैंने, जाके चला के देखता हूँ, रिफ्रेश किया, देखो यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। अच्छा, जैसे ये लिखा हुआ है ना, आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर और दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, अब मुझे चाहिए नहीं है दो अलग अलग लाइनों में आए, तो मुझे आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर के बाद ये BR लगाना होगा। लगा के देख लेते हैं BR, आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर के बाद मैंने कहा कि मुझे BR लगा दो एक अदद, ठीक है। तो पहले ये लिखा हुआ है, फिर लाइन ब्रेक होगी और फिर ये लिखा हुआ है, एक लाइन में नहीं लिखा हुआ है। रिफ्रेश किया, लाइन ब्रेक हो गई। अच्छा, इसी तरह दो चार और भी ट्राई करते हैं, ठीक है। बटन, बटन का मार्कअप है, बटन क्या करता है, डिफाइन अ क्लिकेबल बटन। जी दोस्त, सर ये सवाल ये था कि इसके अंदर आपने बताया था कि क्लोजिंग टैग भी होता था, BR के अंदर क्लोजिंग टैग नहीं होता? अच्छा जी, कुछ मार्कअप्स इसमें ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग कहलाते हैं ना, तो BR को लगाने का प्रॉपर तरीका है वो ये, सेल्फ क्लोजिंग है ये, ठीक है। लेकिन आजकल अभी ऐसे भी आप लगा दें तो नए वाले ब्राउजर में ये चल जाता है ये वाला भी, ठीक है। तो कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर मार्कअप ओपनिंग और क्लोजिंग हो। कुछ मार्कअप्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो सिर्फ एक होता है हल्का, मतलब इतना ही होता है, ठीक है। वेल, मैं इसी वजह से मैंने कहा है कि हर मार्कअप को चलाने का जो तरीका है वो थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है। तो इसी वजह से ये आपके पास लिस्ट आ गई है, इसका मैं लिंक भी है ना इस डॉक्यूमेंट में ही लगा देता हूँ,
मैं इसका लिस्ट कहाँ लगा देता हूँ, इस डॉक्यूमेंट के आखिर में यहाँ पे मैंने इसका लिंक लगा दिया, ठीक है। इसको आप कॉपी करके ओपन करेंगे तो ये सेम डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाएगा। तो ये लिस्ट है, इसमें तमाम पॉसिबल HTML के जितने आज तक टैग्स बने हैं, जितने आज तक मार्कअप्स बने हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसको चलाने का तरीका भी आपको अंदर वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं बटन। अब ये बटन का जो टैग है, इसको मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोल लिया कि इसको कैसे चलाते हैं। बटन के आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि डिफाइंस अ क्लिकेबल बटन। ये क्या करता है, स्क्रीन पे क्लिकेबल बटन बनाकर शो कर देता है। देखो इसको ऐसे लगाते हैं, ठीक है, बटन और टाइप बटन ऐसे करके लगता है। ये मैंने कॉपी किया है यहाँ से, ठीक है। मैं लास्ट में जाके क्या करता हूँ, ये बटन को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मार्कअप लिखने से क्या होना चाहिए, मेरे पास स्क्रीन पे एक बटन बना हुआ आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी बटन के क्लिक पे क्या होगा वो हमने नहीं सीखा। ये देखो लास्ट में देखो क्लिकेबल बटन आ गया, क्लिक में। अभी क्लिक पे होगा क्या वो हमने अभी नहीं सीखा, वो जावास्क्रिप्ट जब हम करेंगे ना फिर सीखेंगे। अच्छा और आते हैं जी, और उसके अलावा क्या है हमारे पास, ठीक है देखते हैं जी। कोई ऐसी चीज़ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो जाती हो। अच्छा हेडिंग H1 से लेके H6 तक होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सर इसमें जो DEL का टैग होता है, जो प्राइस वगैरह ई-कॉमर्स में आ रहे होते हैं, का टैग जो टैक्स के ऊपर जो लाइन आ रही होती है, जी जी वो सब इसमें मौजूद है, सब सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। अच्छा HR का एक टैग है, HR क्या करता है, डिफाइंस अ द मैट्रिक चेंज ऑफ कॉन्टेंट। ये तो पता नहीं इसने क्या मुश्किल बात लग दी। बहरहाल HR लिखने से क्या होता है, ये भी लाइन ब्रेक करता है, लेकिन लाइन ब्रेक करने के साथ साथ क्या करता है, एक वहाँ पे लाइन भी लगा देता है। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ, अपने मैं स्क्रीन पे जाता हूँ वापस, ये स्क्रीन है मेरी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, उसके बाद एक पूरी लाइन बनी हुई आ जाए पूरी स्क्रीन पर, उसके आगे नया कॉन्टेंट लिखूँ, तो मुझे ये 5 पॉइंट के बाद क्या लगाना पड़ेगा, HR, हॉरिजॉन्टल रूल कहते हैं इसको, ठीक है, HR। तो इससे क्या होगा, ये BR की तरह ही है, लाइन ब्रेक करता है, लेकिन ये लाइन को ड्रॉ भी कर देता है स्क्रीन पे। रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये लाइन बनी भी आ गई। तो आपको CV में इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम आते हैं जी और देखते हैं इसमें। अच्छा सर आई जो करता है वो इटैलिक करता है, ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हो बोलो। अच्छा सर अगर हमारे को पोर्शन चाहिए कि भाई एक पेज पे हमारे पास दो पोर्शन आ जाए, तो ना एक तरफ हमारे पास जो है ना हमारी एबिलिटीज जो है वो लिखी हुई है, वो और एक तरफ लिखा हुआ कि भाई हमने ऐसा काम करा है, तो वो पोर्शन कैसे आएगा एक पेज पर। अच्छा वो CSS से होगा, वो HTML से नहीं हो सकता, ठीक है। स्टाइलिंग जितनी भी है वो CSS से होगी, ठीक है। देखो LI जो है वो क्या करता है, डिफाइन लिस्ट आइटम। हमने LI का इस्तेमाल किया है, ये LI का इस्तेमाल किया है हमने, ठीक है। अब इसको चलाते कैसे हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है, नए टैग में ओपन किया मैंने, देखिए ना दो तरीका है इसको, एक तो ये तरीका है चलाने का, एक ये तरीका है। अब इसका दोनों का रिजल्ट क्या होता है ज़रा चेक कर लेते हैं अंदर। देखो अगर इसको इस तरीके से चलाएंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1 2 3, और अगर इसको इस तरीके से चलाएंगे तो इसका रिजल्ट आएगा बुलेट पॉइंट्स, 1 2 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके मुझे पता चल गए, ठीक है, LI को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और आ जाते हैं नीचे, ठीक है, देख रहे हो काफ़ी सारे टैग्स हैं यहाँ पर। ये देखो पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है, डिफाइंस अ पैराग्राफ, सही है। और हम जाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्या करता है, ये भी बोल्ड की तरह काम करता है, ठीक है। डिफाइंस इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, किसी चीज़ पे आप स्ट्रॉन्ग लगा देते हैं तो वो हल्का सा बोल्ड हो जाता है। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों असल में एक ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेमेंटिक्स में फ़र्क है दोनों के। तो इंपॉर्टेंट वर्ड जो भी होते हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। अच्छा स्ट्रॉन्ग लगाने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आपकी स्क्रीन कोई कंप्यूटर रीड करता है ना, जैसे कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं जो ज़ाहिर है वो देख नहीं सकते, उनके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। प्लीज़ अपना माइक सब लोग बंद कर दीजिए प्लीज़, किसी के पास से आवाज़ आ रही है। अच्छा तो जो लोग ना देख नहीं सकते, तो वो जब वेबसाइट पे आते हैं तो क्या होता है कि वो स्क्रीन रीडर के ना सॉफ्टवेयर होते हैं उनके पास, तो वो उनको स्क्रीन को पढ़ के सुनाता है। तो स्ट्रॉन्ग लगाने से क्या होगा, उस वर्ड को वो स्ट्रांगली थोड़ा पढ़ के सुनाएगा, ठीक है। बोल्ड में वैसा नहीं करेगा, बोल्ड में उसको वो नॉर्मली पढ़ेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग में क्या करेगा, उसको वो एक एज अ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट उसको वो पढ़ के सुना रहा होगा, ठीक है। स्टाइल से डिफाइन स्टाइल इन्फॉर्मेशन, अभी ये स्टाइल इन्फॉर्मेशन हम CSS में ये देखेंगे स्टाइल कैसे लगता है, ठीक है। टेबल आप बना सकते हैं इसके अंदर, टेबल बनाने की ज़रूरत आपको शायद पड़ सकती है CV में, तो टेबल देखते हैं किस तरह बनाया जाता है। टेबल बनाने का कोड ये रहा, ठीक है, नीचे इन्होंने लिखा हुआ भी एग्जैक्टली कि टेबल कैसे बनती है, क्या बनता है, ये सारा कुछ नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा उस पर ट्राई इट योरसेल्फ पे आप जाएंगे तो ये कोड, ये देखें चल के आया है, तो ये इस तरह से डिस्प्ले हुआ है।
ये इतना जो कोड है, टेबल शुरू है और टेबल ख़त्म है, ये यहाँ पे ऐसे करके डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सही है, हमें समझ में आ गया टेबल कैसे चलता है। अच्छा, इसने क्या किया हुआ है, एक जनवरी फरवरी बनाया हुआ है। मुझे अगर मार्च बनाना है तो मैं इतने को नीचे कॉपी करके मार्च भी बना दूंगा, अप्रैल भी बना दूंगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ऐसे दो लगाया हुआ है, जनवरी और 100। तो मुझे अगर जनवरी और 100 के आगे कुछ और लगाना है, मैं और भी लगा दूंगा, कोई मसला नहीं है। एक टेबल बल्कि बना के भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ सर, आसान हो गई है। अच्छा, हम अभी ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह। ये मैंने एक टेबल बना दी, ठीक है, ये टेबल बनी भी आ गई आपके पास। ठीक है जी, जो है अभी तक जो मैंने चीज़ बताई थी वो माशाल्लाह सब लोगों ने कर ली है। अच्छा, ये सब ने लिंक भी सबमिट करवा दिया है, वेल डन यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये जैसे नदीम ने अपना ये गिटहब का लिंक भेजा है, अच्छा इन्होंने तो होस्ट भी कर दिया है माशाल्लाह, गुड यार, ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन अभी सिर्फ जैसे ये इन्होंने भेजा है हसाम सलीम, इनका हम देखते हैं क्या इन्होंने बनाया है। अच्छा, ये जैसे आपके पास ये पहुंच गया है ना, ठीक है, index.html के नाम से यहाँ पे आपके पास फ़ाइल आ चुकी है, सब लोगों ने माशाल्लाह ये कर लिया है जो अभी मैंने बताया था। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ अगला स्टेप कि अब इसके बाद आपको क्या करना है। अच्छा, इसके यानी इसको एक असली वेबसाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा स्टेप और करना पड़ेगा। अच्छा, वो स्टेप कौन सा है, आप जाएंगे github.com पे, सही है, और उस रिपोजिटरी में जाएंगे आप जिसमें आपने अपना कोड पुश किया है। ठीक है, सब लोग गौर से प्लीज़ इसको देखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जैसे ये मैंने बनाया था हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट के नाम से मैंने बनाया था रिपोजिटरी। ठीक है, मैं इसके अंदर गया, मैंने इसके अंदर ये HTML की फ़ाइल पुश कर दी है, कोड लिखकर जो मैंने भेजा HTML की फ़ाइल वो मैंने पुश कर दी है यहाँ पे। अच्छा, अब ये नोट करने वाली बात है जो मैं अगला स्टेप बताने वाला हूँ उसके लिए, इस फाइल का नाम एग्जैक्टली index.html होना ज़रूरी है। अगर इसका नाम इंडेक्स के अलावा कुछ भी हुआ ना index.html तो ये फिर काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, इंडेक्स पूरा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। सॉरी, आसान हो रही है, अच्छा मेरे पास तो अभी नहीं हो रही, खैर हम थोड़ी देर में करते हैं ब्रेक, अगर मेरे पास होती है तो ब्रेक लेते हैं फिर। अच्छा, तो इसका नाम index.html होना ज़रूरी है, इसका नाम कोई और नहीं हो सकता और स्मॉल लेटर से ही होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जैक्टली इसी तरह होना चाहिए। दूसरा, ये index.html की फ़ाइल रूट पे होनी चाहिए, यहीं पे मौजूद होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि यहाँ कोई फोल्डर बना हुआ उसके अंदर ही आ रही हो। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सब चीज़ें अगर आपने मेक श्योर कर ली हैं कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही तरह पुश हुआ है, ये सारे कोई मसले आपके साथ नहीं है, तो फिर आप जाएंगे सेटिंग में। ये क्या है, ये आपकी इस रिपोजिटरी की सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये सेटिंग इस रिपोजिटरी, एक सेटिंग यहाँ अकाउंट की भी होती है, ठीक है ना, एक यहाँ भी, ये वाली सेटिंग में नहीं जाना आपने, ये आपने जाना है रिपोजिटरी की सेटिंग में। और रिपोजिटरी की सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है पेजेस में, यहाँ पे ये देखें पेजेस लिखा हुआ आ रहा है इस जगह पे। ठीक है, पेजेस में आपने जाना है और पेजेस में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्रांच, यहाँ पे लिखा हुआ है नन, इसको चेंज करके आपने कर देना है मेन और इसका बटन दबा देना है सेव का। ठीक है, ये स्टेप समझ आया सबको, कोई मुश्किल तो नहीं था, सेटिंग में गया, पेजेस में गया और ब्रांच सेलेक्ट करके उसको सेव कर दिया, बहुत आसान स्टेप था। अब ये स्टेप करने के बाद आपको 5 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ठीक है, और आप जब पेज को रिफ्रेश करेंगे ना उसके बाद, तो यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ जाएगा। ठीक है, वो आपकी वेबसाइट का होस्टेड लिंक होगा। ठीक है, अभी हम वेट करते हैं 5 मिनट। सर एक दफ़ा और मैं बताता हूँ, लेकिन अब मैंने तो कर दिया ना ये सेव, अब मैं आप में से किसी का स्क्रीन, ये किसने बोला था एक दफ़ा और बताएं, आपका ही स्क्रीन शेयर करके उस पर करते हैं हम ये। अच्छा, इसको अगर मैं देखना चाहूँ ना प्रोसेस को, तो ये एक्शंस देख रहे हो, एक्शंस में जाऊँगा ना तो मुझे वहाँ पे ये प्रोसेस देखो चलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, 43 सेकंड पहले ये मैंने लगाया है और ये अभी हो रहा है, ये देखो गोल घूम रहा है, ये गोल घूम रहा है अभी, ये अभी ग्रीन हो जाएगा ना तो मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, खैर मैं वापस आ जाता हूँ, मैं बैक का बटन दबा के, ठीक है, ये मैं पेजेस में तो रिफ़्रेश करता हूँ, अगर कंप्लीट हो गया ये तो, हाँ हो गया कंप्लीट, वेल डन, ज़बरदस्त, क्या बात है जी। ये जो लिंक है ना मेरे पास, इसको मैंने ओपन किया न्यू टैब में, तो आप देखें ये वही वेबसाइट पूरी बन के नज़र आ गई जो मैंने बनाई थी। और ये जो URL है ये एक पब्लिक URL है, इसको मैं कॉपी करके आप सब लोगों को देता हूँ, आप सब इसको विज़िट करेंगे ना तो ये विज़िट भी हो जाएगा।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया लगे। अब आप इस यूआरएल को खोलेंगे ना, ये ऐसा लाइव यूआरएल है जिसको पूरी दुनिया में कोई भी बंदा जब क्लिक करेगा इस यूआरएल पे तो वो आपकी इस वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इस यूआरएल को कर लेना है कॉपी। राइट क्लिक किया मैंने, इस यूआरएल को किया कॉपी, और कॉपी करके आपने अपनी मेन रिपोजिटरी में आना है। यानी रिपोजिटरी के नाम पे क्लिक करने से आप मेन रिपोजिटरी में आ जाते हैं। यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, जो इसमें ये सेटिंग है ना छोटा सा गियर, इसको दबाना है और यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर देना है इस वेबसाइट को और एंटर दबा देना है। उससे ये यूआरएल यहाँ पे आपके नज़र आ जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि कोई भी बंदा आपकी रिपोजिटरी पे अगर आता है घूमता फिरता हुआ, जाहिर है सोशल मीडिया लोग आएंगे देखेंगे पब्लिक रिपोजिटरी है, तो उसको ये यूआरएल भी नज़र आएगा कि इसके ऊपर क्लिक करके वो इसको देख सके। ठीक है, आसान स्टेप था, मुश्किल तो नहीं था। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यही स्टेप आप में से कोई एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर कर ले और मैं बताता जाऊँगा तो वो करता जाए। ठीक है, सब लोगों को रिपीट भी हो जाएगा स्टेप और आपको समझ में भी आ जाएगा। अच्छा आ जाओ भाई, कौन अपना कौन अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है? किसी एक स्टूडेंट ने कहा था ना कि सर दोबारा बता दें, वो ही कर दे। अच्छा हसाम ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है। अच्छा भाई जाओ भाई, अपनी रिपोजिटरी में जाओ। रिपॉजिटरी में जाना था, प्रोफाइल पे। हाँ चलो रिपॉजिटरीज में जाओ। यहाँ पे जाने के बाद अभी जो फोल्डर वो बनाया रिपॉजिटरी, वो कौन सी है? माई सी वी, ये वाला है, इसके अंदर चले जाओ। अच्छा ये index.html देखो, सारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये index.html जो है ये रूट पे मौजूद है। ठीक है, ये दो रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई, रिक्वायरमेंट भी पूरी है। अच्छा अब सेटिंग में जाओ, यहाँ नहीं, पहले तो सेटिंग में जाके पेजेस तो इनेबल करोगे ना। सेटिंग में जाओ, रिपॉजिटरी की सेटिंग में जाना है। सामने गियर आइकन बना हुआ है, इनेबल कर दिया मैंने सर, वो मैंने इनेबल कर दिया। अच्छा तो दोबारा चले जाओ ना, रिपीट कर रहे हैं ना स्टेप को। अच्छा सर, सेटिंग में जाओ। अच्छा सेटिंग के बाद पेजेस में जाओ, ये हम पेजेस में गए। अच्छा इसको ये ब्रांचेस में जाके देखो, मेन इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मेन सेलेक्ट करके सेव का बटन दबा दिया। अच्छा ये आ गई, ऊपर यूआरएल भी आ चुका है आपका। अच्छा ये यूआरएल को कॉपी कर लें, नए टैब में खोल लें पहले, तो उसको देख लेते हैं क्या रिपोर्ट है इसकी। अच्छा ये खुल गया, अब इसको कॉपी कर लें। मैंने एक टैब शेयर किया हुआ है, मैं दूसरा पूरी विंडो शेयर करता। अच्छा कोई और कर दे उनके अलावा, आपका तो हो गया माशाल्लाह गुड। कोई और है जिसका, जिसको अभी तक नहीं हुआ, जिसका फ्रॉम स्क्रैच हम करने जा रहे हैं? अच्छा सही है, पूरी स्क्रीन दिख गई आपकी, गुड। ये करके, अच्छा ये कॉपी कर लिया आपने यूआरएल, और कॉपी करने के बाद आप कहाँ आ चुके हैं? मेन रिपॉजिटरी में आ चुके हैं आप, और मेन रिपॉजिटरी में आके आपने सेटिंग पे लगा दिया, गुड। अच्छा भाई और कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, जिससे हो नहीं पा रहा हो ये? जल्दी जल्दी ये वाला काम ना सब लोग करें, और ये होस्टिंग वाला लिंक जो है ना सब लोग अपने यहाँ पे चैट में शेयर कर दें जल्दी से। ठीक है, ये होस्टिंग कंप्लीट करनी है हमने जल्दी से। अच्छा तो ये स्टेप जैसे कंप्लीट हो जाए आपका, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक वेबसाइट बनाना आज सीख ली। ठीक है, एक छोटी सी वेबसाइट बना के उसको होस्ट करना, इंटरनेट पे होस्ट करना, वो आपने आज सीख लिया। ठीक है, आज के बाद अगर आपसे कोई कहेगा कि आपको वेबसाइट बनानी आती है, आप कहेंगे हाँ आती है। वो पूछेगा आपको वेबसाइट होस्ट करनी आती है, आप कहेंगे हाँ आती है। ठीक है, तो ये हमने एक वेबसाइट बना के उसको इंटरनेट पे हमने होस्ट कर लिया, और एक ऐसा लिंक जनरेट कर लिया, एक ऐसा यूआरएल जनरेट कर लिया, जो पूरी दुनिया में कोई भी बैठा हुआ बंदा जिसके पास इंटरनेट मौजूद है वो उसको विजिट करके आपकी वेबसाइट को देख सकता है। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग ये काम कर लें। तो देखो अब CSS जो हमें करनी है वो हम कैसे करते हैं? CSS लगाने के दो तरीके हैं। नंबर एक तरीका ये है कि मैं लिखता हूँ स्टाइल का टैग ओपन और टैग क्लोज। अच्छा ये स्टाइल का टैग देखो मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ हेड के मार्कअप के अंदर, ये हेड का जो मार्कअप है ना इसके अंदर लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो स्टाइल भी एक मार्कअप है। ठीक है, इसके अंदर आके मैं क्या लगाता हूँ, मैं स्टाइल लगा सकता हूँ।
मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना है, किसी भी चीज़ का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, किसी भी चीज़ में मार्जिन वगैरह लगाना है कि भाई वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो जाएं, ठीक है, तो वो काम मैं स्टाइलिंग के ज़रिए करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि H1, ठीक है, और मैंने कहा कि बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो जाए, ठीक है, तो अब मैं जाके देखता हूँ कि ये क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर रेड करने से क्या इसका इफ़ेक्ट आया। रिफ़्रेश किया मैंने, देखो बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने एक हेलो वर्ल्ड बना लिया ना CSS का, कि भाई CSS का हेलो वर्ल्ड। अब CSS के अंदर तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सही है, CSS के अंदर क्या है, तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नंबर एक, सेलेक्टर। सेलेक्टर क्या होता है कि किस चीज़ पे आपको CSS अप्लाई करनी है। जैसे मैंने अभी बोला है H1, ठीक है, मैंने अभी क्या बोला है H1, तो H1 के जितने भी मार्कअप होंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि H1 के मार्कअप पे लगा दो। नंबर दो, एक चीज़ होती है ID। जैसे कोई भी, अब मिसाल के तौर पे जब मैं ये H1 बोलता हूँ ना, तो मेरे कोड में जितने भी H1 होंगे ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे नीचे जाके कहीं पे एक H1 लगाता हूँ, सही है, another heading, ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि जब मैं ये H1 पे जो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, मैंने जो H1 का सेलेक्टर लगाया हुआ है, ये सारे H1 को क्या कर देगा, लाल कर देगा, सही है। नीचे भी एक H1 था, वो भी लाल हो गया, ठीक है। इसी तरह मैंने पैराग्राफ अगर लगाया, तो ये वाला जो सेलेक्टर होता है ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, मार्कअप नेम बोल दो आप इसको, ठीक है, या इसको, अच्छा मार्कअप का ना एक और भी नाम होता है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको अभी जदीद दौर में, इस दौर में अब इस चीज़ को हम मार्कअप आमतौर पर नहीं कह रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको, HTML एलिमेंट, ठीक है, ये इसका जदीद नाम है, ठीक है। और ये जो इसका ओपनिंग है, इसको कहते हैं ओपनिंग टैग, और इसको क्लोजिंग को ये कहते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक है, ये इसका नाम है। और ये पूरे को मिला के क्या है, ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं इस वाले सेलेक्टर में, कि किसी भी एलिमेंट के नाम से उसको सेलेक्ट करते हैं आप, और फिर उसके अंदर आप क्या लगा देते हैं, CSS का वो रूल अप्लाई कर देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एलिमेंट के नाम के अलावा, टैग के नाम के अलावा, और कौन सा एक सेलेक्टर है। दूसरा एक सेलेक्टर है ID सेलेक्टर, ठीक है, ID, ठीक है। मैंने कह दिया कि यार फूटर, ठीक है, अब फूटर मैंने कह दिया, तो ये भी एक क्या है, सेलेक्टर है। मैंने फूटर को कह दिया कि यार आप ये हो जाओ, ठीक है। अच्छा, फूटर के नाम से मेरे पास अभी कोई चीज़ नीचे मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ, एक छोटा सा पैराग्राफ बना देता हूँ, उसको मैं कहता हूँ भाई आप फूटर हो। मैंने कहा एक पैराग्राफ है, इसमें मैंने लिख दिया कि कॉपी ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक C बना दिया 2022, ठीक है। अब इस पे ID मैंने क्या दे दी, ID, और मैंने कह दिया फूटर हो आप, ठीक है। अच्छा, ID की ख़ास बात यह है कि पूरे HTML के पेज पे अगर एक ID आपने किसी एलिमेंट को दे दी है, तो वो ID आप फिर किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ID आप हर एलिमेंट को एक मुख्तलिफ ID दे सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर मैं पैराग्राफ पे लगाता ना, तो जितने भी पैराग्राफ हैं सब पे अप्लाई हो जाता, लेकिन अभी मैं ID को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ID को सेलेक्ट करके मैं क्या कह रहा हूँ इसको, ID को सेलेक्ट करने के बाद देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ग्रे, ठीक है, हल्का सा ग्रे। फिर मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर हो जाए, और पैडिंग इसकी हो जाए 20 पे। अब ये तीनों रूल क्या कहते हैं, अभी फ़िलहाल इसको इग्नोर करो, अभी सेलेक्टर हम समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अभी हम सेलेक्टर को समझ रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई फूटर को क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर उसका कर दो ग्रे। तो देखते हैं इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे होता है नहीं होता है। मैंने रिफ्रेश किया, अब आप देखें नीचे जो ये था ना ऑल राइट रिजर्व जो था, ये फूटर, इसका बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रे, ठीक है, और ये सेंटर में भी हो गया, CSS के ज़रिए ये काम हुआ है सारा, ठीक है। नंबर तीन सेलेक्टर होता है हमारे पास क्लास, ठीक है। क्लास में क्या दे देता हूँ इसको, मैं दे देता हूँ सम क्लास नेम, कोई भी आपकी मर्ज़ी का कोई भी नाम हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो क्लास है ना, ये आपकी मर्ज़ी का, मैं कोई अच्छा सा सोच रहा हूँ, रियल सी एग्जांपल सोच रहा हूँ कुछ। ज-
जैसे मैं इस यूएल के ऊपर ना मैं ये अप्लाई करना चाह रहा हूँ, किस पे अप्लाई करूँ भला? अच्छा, इस पैराग्राफ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने इसको बोल दिया कि डॉट पैरा, ठीक है? एक मैंने अपनी क्लास बना ली डॉट पैरा के नाम से, और इस पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, कुछ भी स्टाइल लगा दिया फ़िलहाल। मैंने कहा फॉन्ट हो जाए 20 पिक्सल, बोल्ड हो जाए फॉन्ट, ठीक है, CSS के ज़रिए भी बोल्ड कर सकते हैं आप। और मैंने उसको क्या बोला कि भाई आप क्या हो जाओ, बैकग्राउंड कलर जो है ना आपका क्या हो जाए भला, वो हो जाए कुछ ऐसा कलर जो दिखे, दूर से दिखे बिल्कुल, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल जाए कि हाँ यार इस पर CSS अप्लाई हो चुकी है। तो ये पैरा मैंने लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्लास मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली है, लेकिन ये वाली क्लास किसी भी एलिमेंट में मौजूद नहीं है, ठीक है? तो जब तक मैं वो एलिमेंट पे क्लास नहीं लगा रहा, देखो यहाँ पे कुछ भी अपेयर नहीं हुआ। अब क्लास की ख़ास बात ये है कि ये वाला क्लास आप जितने एलिमेंट्स पे चाहें आप ये क्लास लगा सकते हैं। मैंने कहा कि भाई ये जो है ना क्लास इक्वल्स टू पैरा, ये भी पैराग्राफ है और ये भी पैराग्राफ है, ठीक है। और भी अगर कहीं पे मेरे पास होता है, देखो दो पैराग्राफ थे दोनों पे लगा दिया। तो आईडी क्या होती है कि एक एलिमेंट पे सिर्फ एक लगता है। क्लास क्या कर सकते हैं आप, एक क्लास आप बनाते हैं, वो जितनी जगह पे आप चाहें आप उसको लगा दें। जैसे आप फेसबुक सब लोगों ने देखा हुआ है, तो फेसबुक पे क्या होता है, एक पोस्ट होती है उसके नीचे एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी पोस्ट होती है, फिर उसके नीचे एग्जैक्टली वैसी। तो असल में उन्होंने क्या किया हुआ, एक ही क्लास बनाई हुई है पोस्ट के नाम से, और वो हर सब पे अप्लाई करते हैं। तो इसी वजह से हर क्लास जो हर पोस्ट की जो स्टाइलिंग है ना वो एक जैसी होती है, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर एक जगह ख़ास जगह पे आ रही होती है, प्रोफाइल पिक्चर के आगे जो नाम है वो एक ख़ास बोल्ड हुआ हुआ होता है हल्का सा उस पर, तो वो एक ही क्लास बनी हुई होती है असल में, और वो सब पे अप्लाई हो रही होती है। तो अब हम जाके रिफ़्रेश करके देखते हैं। देखो ये जितने भी पैराग्राफ थे ना, इसका फॉन्ट का साइज़ हो गया 20, बड़ा हो गया फॉन्ट, बोल्ड भी हो गया और बैकग्राउंड कलर भी लग गया। बैकग्राउंड कलर बहुत ही वाहियात है, तो मैं बैकग्राउंड कलर को क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर बहुत ही वाहियात हुआ हुआ था, ठीक है। टेक्स्ट का साइज़ भी बहुत बड़ा हो गया, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 16 पिक्सल हो जाओ भाई, 16 पिक्सल कर दिया मैंने, ठीक है, 16 पिक्सल हो गया। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने तीन तरह के आपको जो सेलेक्टर इस्तेमाल होते हैं वो बता दिया है, ठीक है। नंबर एक सेलेक्टर किसी भी एलिमेंट का नाम, नंबर दो सेलेक्टर किसी भी एलिमेंट की आईडी, नंबर तीन सेलेक्टर किसी भी एलिमेंट पे आपने कोई भी क्लास अप्लाई की हुई है तो वो, ठीक है। तो इन तीन सेलेक्टर्स के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई CSS अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या रह गई, अगली चीज़ ये रह गई, अब CSS के रूल्स। मैंने आपको ये बताया था कि तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं CSS के ना, तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो नंबर एक बिल्डिंग ब्लॉक आपने पढ़ लिया, ठीक है। नंबर एक बिल्डिंग ब्लॉक क्या था, सेलेक्टर, ये नंबर एक बिल्डिंग ब्लॉक था, ठीक है। नंबर दो बिल्डिंग ब्लॉक है कि रूल्स, CSS के कौन कौन से रूल हो सकते हैं पॉसिबली। मिसाल के तौर पे एक H1 के साथ, एक H1 का फ़िलहाल मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के अलावा भी इस पर बहुत कुछ मैं स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी लिस्ट मेरे पास होनी चाहिए कि जहाँ पर मैं क्या कर लूँ, मैं जाके जितने भी तमाम CSS के रूल अवेलेबल हैं वो सब मुझे एक लिस्ट मिल जाए, ताकि मुझे पता चल जाए, अच्छा यार H1 पे मैं टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ, H1 के ऊपर मैं बॉर्डर लगा सकता हूँ, ठीक है, H1 के ऊपर मैं शेडो लगा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके साथ, हर एक एलिमेंट के साथ वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, अब वो मुझे लिस्ट एक तलाश करनी है। तो ये नंबर दो बिल्डिंग ब्लॉक है कि CSS के अंदर क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, CSS के रूल्स होते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया, तो चल के ना इंटरनेट पे कहीं तलाश करते हैं, ऐसी कोई लिस्ट हमें शायद मिल जाए। ऑल CSS रूल लिस्ट, तो W3 स्कूल का मुझे एक रेफरेंस मिल गया है, इसमें जितने भी पॉसिबल रूल्स हैं CSS के वो सारे की लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ गई है, ठीक है। A से शुरू होने वाले जितने थे वो A पे आ गए, ठीक है। B से जो शुरू होते थे वो B पे आ गए, ठीक है। फिर जो C से शुरू होते थे वो C से आ गए, ठीक है। C में देखो एक चीज़ आ रही है, कलर, ठीक है। सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट, ये वाले रूल से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी टेक्स्ट का मैं कलर चेंज कर सकता
हूँ। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके ऊपर मुझे क्लिक करके इसके अंदर जाना होगा। ये मैं क्लिक करके अंदर चला गया, देखो इसने क्या बोला कि H1 का कलर चेंज करना है, सेलेक्टर लगाओगे आप H1 और कलर ऐसे करके चेंज कर दोगे, ठीक है। कह रहा है बॉडी का पूरे का कलर चेंज करना है, यानी बॉडी में जितना भी टेक्स्ट है उसका कलर रेड कर दिया। तो एक काम करते हैं, हम भी आते हैं, ये H1 जो है ना, इसका बैकग्राउंड कलर तो मैंने किया हुआ है रेड, अब मैं चाहता हूँ इसका जो टेक्स्ट का कलर है ना वो क्या हो जाए, वो वाइट हो जाए। अभी तो वाइट नहीं है ना, अभी तो क्या है, अभी इसका ब्लैक है। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड रेड है ना, तो फोरग्राउंड जो कलर है इसका, जो टेक्स्ट का कलर, वो वाइट हो जाए। तो मैं क्या लिखूँगा, कलर और वाइट, ठीक है। अच्छा, कलर का मैं नाम भी लिख सकता हूँ, कलर के नाम के अलावा ना देखो यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इस पर मैं थोड़ी देर हवर करूँगा ना, माउस को क्लिक नहीं मैंने किया, ये बस थोड़ा सा देर ला के रखा है मैंने, तो यहाँ पे ना देखो सारा ये ऑप्शन आ जाता है कलर सेलेक्ट करने का, ठीक है। ओपेक्सिटी भी आ जाती है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से मिसाल के तौर पर मुझे ग्रीन, तो मैंने ये ग्रीन सेलेक्ट किया, और ग्रीन सेलेक्ट जैसे ही करूँगा ना तो देखो इसका कलर का कोड ही ऑटोमेटिक उठा लेता है। तो ग्रीन भी इस तरह मैं कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं कलर का नाम ही लिखूँ, ठीक है। वैसे तो मैं फ़िलहाल नाम लिखूँगा, लेकिन नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इस तरह कोड भी लिख सकते हैं कलर का। कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, ठीक है, वाइट मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे फोटोशॉप के अंदर वो होता है ना हैक्स कोड होता है कलर का, 6 डिजिट का, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप नाम लिखें हमेशा, ठीक है। मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखो कलर का टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया, ठीक है। अब इसमें से कोई और देखते हैं, ये तो टेक्स्ट का कलर हमने देख लिया ना, और कौन सा बैक कर लेता हूँ मैं, अच्छा कोई देखते हैं अच्छा सा इसमें से, और कर्सर, ठीक है। कर्सर क्या करता है, स्पेसिफाई द माउस कर्सर टू बी डिस्प्लेड व्हेन पॉइंटिंग ओवर एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट पे जब आप माउस लेके जाते हैं ना तो उस पर कर्सर क्या डिस्प्ले करवाना है वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे देखो अभी मैं अगर H1 के ऊपर, अभी मैं H1 के ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो क्या दिखता है मुझे, आई बीम दिखता है, ठीक है। ये खास किस्म का कर्सर है, आई बीम, ये मुझे दिखता है। अच्छा, इसी तरीके से मैं ये अंडरलाइन वाला टेक्स्ट है इस पर भी मुझे यही दिखता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब हेडिंग पे मैं लेकर जाऊँ ना तो मुझे ये ना दिखे, मुझे कुछ और दिखे। तो इसको चेंज करने के लिए मेरे पास ये कर्सर मौजूद है, मैं इसके अंदर चला जाता हूँ। इसके अंदर मैं गया तो देख रहे हो ऐसे कर्सर के अंदर कौन कौन से हैं, कर्सर के ना 4-5 अलग अलग हैं। ये सारे नाम हैं कर्सर के, एलियस, स्क्रॉल ऑल, ऑटो, सेल, ठीक है। अब ये सेल वाला कैसा दिखता है, ओ ये इस तरह का दिखता है, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इस तरह का दिखता है, ठीक है, ये इस तरह का दिखता है, कॉपी इस तरह का दिखता है, ठीक है, ग्रैब ये इस तरह का दिखता है, ग्रैब, हेल्प इस तरह का दिखता है। इसमें एक लोडिंग होगा या वेट होगा, वेट वाले पे चलते हैं, वेट, वेट कैसा दिखता है मेरे पास इस तरह का दिखता है, विंडोज़ में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, वो बट्टा बना हुआ आ जाता है घूमता हुआ, ठीक है। तो वेट है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार H1 पे जब मैं लेके जाऊँ ना तो कर्सर मेरा वेट बना हुआ आ जाए, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने इसको बोला कि कर्सर वेट, सही है, जब मैं इस पर कर्सर लेके जाऊँ तो वेट बना हुआ आ जाए। रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो जैसे ही कर्सर लेके गया वेट बना हुआ आ गया, हटाऊंगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो कर्सर को मैंने चेंज कर दिया, और देखते हैं भाई इसमें क्या है। ये तमाम सीएसएस में इसके अलावा कोई रूल नहीं है, जो यहाँ लिखे हुए हैं ना लिस्ट है, जो इसके अलावा सीएसएस में कोई रूल नहीं है, ठीक है। देखो फॉन्ट, अब फॉन्ट से क्या होता है, अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरियंट एंड फॉन्ट वेट, ठीक है। मैं इसके अंदर चला जाता हूँ फॉन्ट, ठीक है। देखो ये 15 पिक्सल एरियल सैन सेरिफ, ठीक है, मुझे टेक्स्ट को एरियल करना है मिसाल के तौर पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं इसको आगे बोलता हूँ कि भाई जो एंकर टैग है उसको क्या कर दो, फॉन्ट इसका कर दो, ठीक है। मैंने कहा भाई 25 पिक्सल, ठीक है, और मैंने एरियल नहीं लिखना है, मैंने इसको करना है कोई ऐसा फॉन्ट लगाते हैं जैसे कोरियर के नाम से एक फॉन्ट होता है, ठीक है, ठीक है, कोरियर जो होता है, और क्या था इसमें तीसरा, सैंस सेरिफ, ठीक है। अच्छा कोरियर जो है मोनो स्पेस है असल में, ठीक है, CORIOR, इसमें स्पेलिंग सही लिखी है ना, एक मिनट स्पेलिंग में देख लेता हूँ, सही लिखी है मैंने क्या, कोरियर फॉन्ट सही है, कोरियर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी, मैंने सही कर देता हूँ, ठीक है।
तो अब मेरे पास ये हेडिंग का कलर क्या हो जाना चाहिए, ओ टेक्स्ट स्टाइल क्या हो जाना चाहिए, कोरियर, देखो फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। अब फॉन्ट आपके आपके कंप्यूटर में कौन कौन से फॉन्ट हैं वो आपको पता होते हैं, सही है, कोई भी जैसे जैसे मिसाल के तौर पर नोट पैड जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर वो फॉन्ट की पूरी लिस्ट आ रही होती है, तो उसमें से कोई भी फॉन्ट आप यहाँ पे लाके लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं H1 पे लगा रहा हूँ ना, आप इसको पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं। मैंने कहा भाई पैराग्राफ को भी क्या कर दो आप, पैराग्राफ को आप क्या कर दो, ठीक है, मैंने कहा फॉन्ट क्या कर दो 16 पिक्सल, ठीक है, इसको रोक देता हूँ, 16 पिक्सल कोरियर कर दो आप। तो अब देखो पैराग्राफ में भी क्या हो जाएगा, 16 पिक्सल का कोरियर हो गया। तो ये मैंने फॉन्ट को भी चेंज कर दिया, ठीक है। और देखते हैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो हम चेंज करके देख सकें। ठीक है, हाइट, किसी भी एलिमेंट के हाइट विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। मार्जिन, मार्जिन से क्या होता है, दो एलिमेंट आपस में दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। जितना मार्जिन आप देंगे, मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ और ये चीज़ ये आपस में थोड़ी दूर हो जाए, ठीक है, ये 0.1 और 0.2 के दरमियान में फासला हो जाए, तो मैं 0.1 को क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा मार्जिन। 0.1 मार्जिन का मतलब है 0.1 अपने इर्द गिर्द थोड़ी जगह घेर लेगा कि भाई कोई और ना आए उसके अंदर। तो मुझे इस पर मार्जिन लगाना है, तो इसका टैग क्या है, इसके टैग का जो नाम है वो क्या है, वो है LI। तो क्या मैं LI के ऊपर लगाऊंगा अपनी स्टाइलिंग, ठीक है, क्या मैं LI के ऊपर लगाऊंगा, अगर मैं LI पे लगाऊंगा ना तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, जितने भी LI मेरे पूरे पेज पे मौजूद है ना उन सब पे अप्लाई हो जाएगा वो। देखते हैं ज़रा, रिफ़्रेश किया मैंने, देखो जितने भी LI थे ना मेरे पास सब पे अप्लाई हो गया वो, मैं सब पे नहीं चाहता अप्लाई करना। अब कौन मुझे बताएगा कि ये कैसे करूँ मैं, मुझे इसको कोई ना कोई आईडी या क्लास देनी पड़ेगी, तो मैंने इसको क्लास दे दिया, मैंने इसको कह दिया कि फर्स्ट आइटम, ठीक है, फर्स्ट आइटम के नाम से मैंने इसको क्लास वगैरह देके कर सकते हैं। हाँ फर्स्ट चाइल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, वो हाँ जी जी वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी हम सिंपल लेके चल रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इस वाले को दिया, मैंने कहा इस वाले को मार्जिन। अच्छा अब आप ज़रा राइट क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया ना, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में गया और ये कंप्यूटेड में गया मैं जब, सही है, ये देखो मैं कैसे आया हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट का बटन दबाया, ये विंडोज़ में, लिनक्स में, मैक में, तीनों में बिल्कुल सेम है ये, गूगल क्रोम क्योंकि सेम है तो ये भी सेम है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने एलिमेंट पे क्लिक किया, फिर मैंने कंप्यूटेड पे क्लिक किया। अब कंप्यूटेड पे क्लिक जैसे ही मैंने किया ना, तो देखो ये ना मुझे बताएगा, अच्छा कंप्यूटेड पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, ये छोटा सा एरो देख रहे हो, इसको पकड़ूंगा, इसको मैंने पकड़ लिया, पकड़ के मैं किसी भी एलिमेंट पे लेके जाऊँगा ना, तो ये मुझे देखो शो करेगा कि इस एलिमेंट ने कितना मार्जिन लिया हुआ है, मार्जिन देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा पिंक सा नज़र आ रहा है। अच्छा मैं दूसरे पे जब जाऊँगा, देखो इसने कोई मार्जिन नहीं लिया हुआ, इस पे मैं क्लिक करूँगा ना, देखो मार्जिन यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। और मैं वापस क्या करूँगा, इस वाले पे क्लिक करूँगा, देखो 10 पिक्सल का मार्जिन है। तो अब देखो इसको मार्जिन लगाने से हो रहा क्या है, ठीक है, इसको मार्जिन लगाने से क्या हो रहा है इस वाले को, कि ये लेफ़्ट से भी थोड़ा आगे आ जा रहा है। मैं चाहता हूँ नहीं यार ये लेफ़्ट से आगे नहीं आए, ये क्या हो, ये लेफ़्ट से आगे नहीं आए, सिर्फ ये अपने सेकंड पॉइंट से फासला ले ले। तो इसका मतलब है मैं मार्जिन सिर्फ नीचे बॉटम पे लगाना चाहता हूँ, राइट, मैं मार्जिन सिर्फ इसके नीचे लगाना चाहता हूँ बॉटम पे। तो मैं इसको आके क्या कर दूंगा, मैं बोलूँगा मार्जिन चारों तरफ नहीं लेना है आपने, इसको रोक दिया मैंने, मैंने कहा भाई मार्जिन सिर्फ बॉटम पे लेना है आपने, ठीक है। देखो मार्जिन जैसे लिखा ना मैंने, टॉप बॉटम की है खुद ही आ रहा है, तो मैंने कहा बॉटम पे ले लो भाई 10 पिक्सल, चारों साइड लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेव कर दिया था मैंने, हाँ सेव कर दिया। अब देखो रिफ्रेश किया मैंने, सिर्फ बॉटम पे आया। अब मैं जब इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे आऊँगा, देखो मार्जिन सिर्फ बॉटम पे इसमें शो हो रहा है, कहीं और पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये हमने देख लिया भाई CSS में। तो कुल मिला के बात ये है कि जितनी भी CSS के अंदर रूल्स मौजूद हैं, ठीक है, ये रूल हैं सारे ये, ठीक है, एक रूल है, दो रूल है, तीन रूल, अच्छा इस रूल को अप्लाई कहाँ करना है, इस सेलेक्टर के ज़रिए अप्लाई करना है, ये सेलेक्टर जहाँ जहाँ टकरा गया वहाँ वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा वो, ठीक है। ये भी एक रूल है, इस रूल को इस सेलेक्टर के ज़रिए अप्लाई करना है। अब ये सेलेक्टर जहाँ जहाँ टकरा गया ना जिस जिस एलिमेंट पे, उस पे ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी एक सेलेक्टर है,
जहाँ जहाँ ये टकरा गया, यानी एच वन के नाम के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब पे ये चार रूल उन सब पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और रूल की लिस्ट सारी ये आ गई यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ रूल्स की लिस्ट को, और उसको यहाँ पे जो है ना भाई साहब मैं पेस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही है, ताकि आपको यहाँ पे अवेलेबल रहे। अच्छा, तो ये तमाम आपके पास रूल्स की लिस्ट आ गई है, और किसी भी रूल के ऊपर आप जब देखते हैं ना सामने, देखो उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, और जब इसके अंदर आप जाते हो तो प्रॉपर इसमें आपको बताया हुआ है कि भाई ये काम क्या करता है, और इसका एक एग्जांपल भी आपको लगा के बताया हुआ है, ट्राई इट योरसेल्फ भी कर सकते हैं आप। नीचे इसके बारे में ना डेफिनेशन और यूजेज के बारे में काफ़ी सारी बातें भी लिखी हुई हैं, तो इसको आप पढ़ के ईज़िली इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, इसको ईज़िली अपने कोड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये था दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक, तमाम रूल्स की आपके पास लिस्ट आ गई, ठीक है। नंबर एक बिल्डिंग ब्लॉक सेलेक्टर सीखा आपने, नंबर दो बिल्डिंग ब्लॉक तमाम रूल्स आपने सीख लिए, ठीक है। दो चार हमने लगा कर देख लिए, बाकी की लिस्ट आपके पास है, जो आपको चाहिए हो आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि भाई क्या क्या अवेलेबल है, पता चल जाए आपको, ठीक है, और जब जिसकी ज़रूरत पड़े वो आप इस्तेमाल करेंगे। नंबर तीन बिल्डिंग ब्लॉक है CSS का कैस्केडिंग। भाई CSS जो है, CSS स्टैंड फॉर व्हाट, कौन मुझे बताएगा कि CSS किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। तो स्टाइल शीट तो समझ में आ रहा है कि भाई जाहिर है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है CSS जिसमें क्या होता है, तमाम स्टाइलिंग लिखी हुई होती है कि मेरे पेज के ऊपर स्टाइलिंग कौन कौन सी करनी है, लेकिन कैस्केडिंग का क्या मतलब है? कौन मुझे ये बताएगा कि अंग्रेज़ी में कैस्केडिंग किस चीज़ को कहते हैं? किसी को पता है? अच्छा देखते हैं गूगल करके। मुझे मुराद टॉप टू डाउन, क्या है इसका मतलब? तरतीब टॉप टू डाउन, यानी आप जो भी चीज़ पहले लिखी है पहले वो रन होगी, उसके बाद नीचे वाली चीज रन होगी। हाँ। इससे एक सीढ़ी होती है ना, हमें नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए ऊपर से नीचे, ऐसे सेम टू सेम कैस्केडिंग का मतलब है, यानी टॉप टू डाउन। जैसे आप CSS में कोड लिखते हैं तो वो पहली लाइन को पहले रन करेगा, उसके बाद सेकंड लाइन को, यानी वो कैस्केड फॉर्म में रन कर रहा है उसको। सही है, बिल्कुल आपने सही बताया। अच्छा इन्होंने तो थोड़ा मुश्किल बताया, मैं आपको थोड़ा और आसान करके बताता हूँ। अच्छा देखो, पहले तो जाके ना पहले वर्ड का मतलब समझते हैं यार, कैस्केडिंग अंग्रेजी में बोलते किसको हैं। तो मैं कैस्केडिंग मैंने लिखा एंटर, और मैं इमेजेस में गया, तो ये देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। जब ऊपर से नीचे की तरफ जैसे पानी गिर रहा होता है ना, तो क्या होता है, पहले एक स्टेप नीचे आता है फिर और एक स्टेप आता है, तो कैस्केडिंग जब आप लिखते हैं तो ये इस तरह की चीज़ आपको नज़र आती है कि स्टेप बाय स्टेप। या आप कैस्केडिंग केक लिखूंगा ना मैं, तो वो केक आ जाएगा ऐसे, वो जिस पे से वो एक चॉकलेट डला हुआ केक होता है, क्या मुँह में पानी आ गया, अच्छा ये देख रहे हो, ऊपर से चॉकलेट हल्का सा डाला हुआ, ऐसा लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ना नीचे गिर रहा है, टपक रहा है, सही है। तो इस चीज़ को, इस फेनोमेना को हम कहते हैं कैस्केडिंग, कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है और स्टेप बाय स्टेप आ रही होती है, यानी एकदम नीचे नहीं गिरेगी वो, स्टेप बाय स्टेप आ रही होती है। तो हमने क्या सीखा, कैस्केडिंग जो है वो अंग्रेज़ी में किस चीज़ को कहते हैं, एक फिनोमेना को कहते हैं। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट में ये जो कैस्केड का वर्ड है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि CSS कैस्केड, CSS क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अच्छा इसका क्या मतलब है, दो मतलब हैं इसके, दो चीज़ें इससे हमें समझ में आती हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट जब बात होती है कहीं पे भी डेफिनेशन है तो उसमें दो बातें ऐसी हैं CSS में जो आपका जानना ज़रूरी है, ठीक है। नंबर एक बात, अगर मैंने ये बोल दिया कि H1 का कलर हो जाए रेड, ठीक है, और फिर थोड़ा सा आगे आके मैंने बोला कि भाई H1 का जो कलर हो जाए, सही है, बैकग्राउंड कलर, सही है, बैकग्राउंड कलर जो है आ,
बैकग्राउंड कलर जो इसका हो जाए, मैंने कहा एंटीक वाइट हो जाए, ठीक है, एक येलोइश सा कलर हो जाए, या एंटीक वाइट नहीं करते हैं, चलो कुछ अच्छा कलर लगाते हैं इसमें, मैंने कहा टैन हो जाए कलर इसका, ठीक है, थोड़ा डार्क टैन कर देते हैं इसको, कॉफ़ी वाला कलर कर दिया मैंने, मैंने कहा बैकग्राउंड कलर ये हो जाए। अब सवाल ये है कि भाई बैकग्राउंड कलर मैंने एच वन को बता दिया पहले यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ पे भी बता दिया, अब होना क्या चाहिए, कौन सा कलर डिस्प्ले होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए या ये वाला होना चाहिए, या इसको एरर दे देना चाहिए कि भाई एच वन पे तो आप कलर लगा चुके हो, दोबारा कहाँ जा रहे हो आप, तो अब क्या होना चाहिए स्कूलन इसमें, ठीक है, कौन सा वाला डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि इसमें एरर नहीं आएगा, बल्कि इसमें क्या होगा कि अगर कोई रूल आप एक दफ़ा लगा चुके हैं और वही रूल आप दोबारा लगाते हैं तो वो पुराने वाले को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा, ठीक है, मतलब जो रूल बाद में आया ना उसको वो एक्सेप्ट करेगा, जो पहले था उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर पहले मैंने बोला रेड, उसके बाद मैंने बोला ब्राउन, ठीक है, या टैन, तो ये इस वाले को लेगा, सेकंड वाले को, पहले वाले को ये क्या करेगा, छोड़ देगा। सेव किया मैंने, चला के देखते हैं इसको, रिफ़्रेश किया, देखो टैन वाला कलर ले लिया इसने और वो वाला छोड़ दिया, रेड वाला छोड़ दिया इसने, ठीक है। तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट का पहला तो ये सीन हो गया कि भाई जो चीज़ पहले आएगी ना वो उसको नहीं लेगा, ये जो चीज़ बाद में आएगी उसको लेगा। वैसे तो असूलन होगा ही है कि बैकग्राउंड कलर आमतौर पर एक ही होगा, लेकिन जस्ट इन केस अगर कहीं पर ऐसा होता है कि एक ही चीज़, एक ही रूल जो है वो दो बार लग गया, तो वो सेकंड वाले को प्रायोरिटी देगा, सेकंड वाले को वो अप्लाई करेगा, जो पुराना था उसको छोड़ देगा। नंबर एक बात ये हो गई। नंबर दो बात ये हो गई कि अगर मैंने ये बोला है, ठीक है, अगर मैंने ये बोला, देखो एच वन के ऊपर मैंने आईडी लगा दी, आईडी लगाई मैंने, फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग मैंने आईडी लगा दी। अच्छा, अब मैं एक तरफ बोलता हूँ कि H1 के ऊपर रेड कलर लगा दो, एक तरफ मैं बोलता हूँ H1 के ऊपर क्या लगा दो, ब्राउन कलर लगा दो, और एक तरफ मैं बोलता हूँ, सबसे यहाँ पे आके मैंने कहा कि ID जो है ना फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग का कर दो बैकग्राउंड कलर ब्लू, सही है, ये इतना सारा क्यों आ गया, ठीक है। मैंने एक H1 पे बोला हुआ है कि बैकग्राउंड कलर कर दो रेड, एक मैंने बोला हुआ है बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लू, और एक मैंने बोला हुआ है कि भाई बैकग्राउंड कलर कर दो ब्राउन। अब कौन सा वाला लगेगा, एक तो बात थी ना कि जो सबसे आखिर में आएगा वो वाला लगेगा। अच्छा, ब्लू वाला क्यों लगेगा बताएं ज़रा सर, क्योंकि हमने उस टैग को आईडी से सही बताया, मैं और आसान करके बताता हूँ। देखें, एच वन जब लिखा हुआ था ना, तो ये जो रूल है, सॉरी ये जो सेलेक्टर है, ये जर्नल है, ये जर्नल सेलेक्टर है कि जितने भी एच वन है सब पे लगेगा। लेकिन जब मैं आईडी से देता हूँ ना, तो इस नाम की आईडी उस पेज में कोई भी नहीं है, और ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मोर स्पेसिफिक। ये जो है ना, इसका मतलब है मोर स्पेसिफिक, ठीक है, तो मोर स्पेसिफिक वाले को फिर प्रायोरिटी देगा ये, ठीक है, जो बाद में आया है। लेकिन बाद में भी दो दो आ गया ना, एक ये H1 आ गया और एक ये आ गया, अब इनमें से कौन से वाले को देगा, तो मोर स्पेसिफिक वाले को देगा, ठीक है। अच्छा, मोर स्पेसिफिक की और भी किस्में हो सकती हैं, अभी हम देखते हैं। रिफ्रेश किया, देखो ब्लू वाला आ गया। मोर स्पेसिफिक की एक किस्म और भी हो सकती है कि भाई बॉडी के अंदर जो H1 है उस पे जाके, तो अब मोर स्पेसिफिक कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कौन से वाले को लेता है ये, ठीक है। अच्छा, अभी भी उसको ही ले रहा है, क्योंकि दोनों की स्पेसिफिकेशन शायद एक जितनी है। अच्छा, इसको मोर स्पेसिफिक में और कैसे बना सकता हूँ, सर इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं। मैंने कहा बॉडी के अंदर जो H1 है ना उस पे लगाओ, ठीक है। अच्छा, एक काम हम करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो, अब ये मोर स्पेसिफिक की एक किस्म है, ये इसको मैं कट करके ना ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है।
अच्छा देखो, अब एक रूल लगा हुआ है कि बॉडी के अंदर जो H1 है उस पे लगाओ, और एक है सिर्फ H1 पे लगाओ। तो जो ज़्यादा प्रायोरिटी वो इस वाले की होगी, क्योंकि ये मोर स्पेसिफिक है। इसमें मैंने मैंने ये नहीं बताया कि H1 पे लगा दो, मैंने कहा बॉडी के अंदर जो H1 है उस पे लगाओ, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, अच्छा बॉडी के अंदर जितने भी H1 होंगे सब पे लगेगा, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई, तो अब ये 10 वाला लेना चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। ऐसा है, ठीक है 10 वाला ले लिया। तो ज़रा सा भी स्पेसिफिक ज़्यादा होगा ना जो, उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा आईडी वाला जो है वो भी ज़ाहिर है कि एक ही हो सकता है एक वक्त में, तो उसके ज़रिए भी आप जब लगाएंगे आईडी के ज़रिए, तो उसकी समटाइम प्रायोरिटी नॉर्मल वाले से, जो जनरल वाला है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसको वो फिर प्रेफरेंस देगा। तो ये हमने तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पे इस पॉइंट पे पढ़ लिया। ठीक है, नंबर एक बिल्डिंग ब्लॉक सेलेक्टर। ठीक है, अच्छा सेलेक्टर में ना तीन के अलावा भी तीन, यानी तीन सेलेक्टर तो मैंने जनरल पढ़ाया ना, सेलेक्टर और भी होते हैं एक दो ना, CSS सेलेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, ये सारे सेलेक्टर हो सकते हैं पॉसिबली। ठीक है, सबको लेकिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने तीन बता दिया वो भी काफ़ी है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये CSS सेलेक्टर की भी ना मैं ये लिंक लगा देता हूँ आपके पास। ठीक है, ये मैंने CSS के सेलेक्टर का भी लिंक लगा दिया, और मैंने ये भी लगा दिया, दोनों लिंक लगा दिए। लेकिन फिलहाल के लिए जो मैंने तीन सेलेक्टर पढ़ाया ना, वो भी अगर आपको समझ में आ जाए तो आपके लिए फंक्शनल हो जाएगा आपका काम ना। तो ये सेलेक्टर इतने सारे लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक लगाया था ना चाइल्ड सेलेक्टर, वो इसमें चाइल्ड सेलेक्टर भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं। ओ व्हाट इज़ दैट, हाँ ये रहा ना चाइल्ड सेलेक्टर, ये जो ना मैंने एरो लगाया था, जो एंगल ब्रैकेट लगाया था जो। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना डिव और उसके बाद एरो और उसके बाद पी, इसका मतलब क्या है? सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है, इन साइड डिव। ठीक है, सारे पैराग्राफ को पकड़ो जो डिव के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये फिर उसके अलावा क्या है, ये वाला डिसेंडेंट वाला भी है इसके अंदर। ठीक है, कॉमा डाल के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डॉट डाल के भी। इसका मतलब क्या है, पैराग्राफ डॉट इंट्रो का मतलब है कि उन तमाम पैराग्राफ पे जिस पे क्लास लगी हुई है इंट्रो, उस पे लगाना है। ठीक है, तो ये सेलेक्टर की ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन सब आपको पता होना ज़रूरी तो है वैसे, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। ठीक है, सब ये तीन सेलेक्टर जो मैंने पढ़ाए हैं फ़िलहाल, आपको उतना भी अगर आ जाए ना तो आपके लिए बहुत गुड इनफ है। अच्छा, अब आपको छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ मैं। ठीक है, और वो असाइनमेंट क्या है, उसको बनाने के लिए आपके पास 30 मिनट्स हैं। ठीक है, पूरे 30 मिनट्स आपके पास हैं उस असाइनमेंट को बनाने के लिए। अच्छा, बहुत ही सिंपल असाइनमेंट है। पहले तो मैं कोड पुश कर देता हूँ, जो मैंने लिखा है ना कोड, ये मैं पुश कर देता हूँ। सही है, क्लास कोड सिंक चेंजेस, ये कोड मेरा क्या हो गया, पुश हो गया। अब आप सब लोगों को जो आपने CV अभी अभी बनाई है, उस CV के अंदर आपने कलर्स डालने हैं, उसके अंदर स्टाइलिंग करनी है आपने। ठीक है, जितने भी लोग इस वक्त CV बना चुके हैं और GitHub में पुश कर चुके हैं, VS कोड अपना अपना दोबारा खोलें आप, वही वाली रिपोजिटरी, उसमें CSS अप्लाई करें, और CSS अप्लाई करके दोबारा उसको GitHub में पुश करें। तो जैसे ही आप उसको दोबारा GitHub में पुश करेंगे ना, जो आपका लिंक है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से उस पर CSS लगा दें, कलर्स वगैरह जो भी अच्छे से देखें आप, गूगल पे जाके लिखें CV और इमेजेस में जाके देखें कि कैसी होती है CV के कलर्स, कैसे होते हैं, कौन से फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं, और वो सारे फॉन्ट वो सारे कलर आप अपनी CV में लगा के आप अपनी CV को ब्यूटीफुल बनाएं और शेयर करें जल्दी से लिंक, जिसका हो जाए जल्दी। ठीक है, इस असाइनमेंट को करने के लिए 30 मिनट्स हैं आपके पास। जी दोस्त, सर दोबारा जब पुश करने के लिए दोबारा से गेट एड स्टैरिक लगाना पड़ेगा और फिर कमेंट। हाँ, तीन गेट एड स्टैरिक का मतलब आपने नहीं बताया। गिट एड स्टैरिक का मतलब ये है कि तमाम फाइलें भेजना चाहता हूँ मैं गिट में, अभी स्टैरिक मतलब ऑल, स्टैरिक मतलब ऑल, तमाम फाइलें भेजना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी होगा कि आपके पास 6 फाइलें लेकिन आप सिर्फ एक फाइल भेजना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे फिर गिट एड और स्टैरिक नहीं लगाएंगे फिर आप, फिर उस फाइल का नाम लिखेंगे आप। लेकिन फिलहाल ऐसा केस नहीं है, हमें फिलहाल तमाम फाइलों को भेजना है। सर वो CSS वाला काम मैंने कर दिया था, कर लिया आपने, वेल डन यार। तो अब आप फिर ये करें, क्लास में आप मॉनिटर बन जाएं और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आया तो नबील है इनका नाम, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आया तो नबील से आप आवाज़ देंगे नबील को, तो ये आपको हेल्प करेंगे।